Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today, one of the things that we have to do is HBase, which is a very important topic in big data analytics. और इससे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी इस अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैट. सो HBase क्या चीज़ है? वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड विद हडूप एंड हाइव. ठीक है, HDFS पे थोड़ा सा काम करके देखा है, मैप रिड्यूस का एक टास्क चला के देख लिया है, हाइव के काफ़ी तफसीलात देख ली हैं. HBase एक्चुअली इज़ द डेटाबेस बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हडूप. ठीक है, इसकी तीन चार काफ़ी अच्छे इसके फीचर्स हैं जो कि वेरी यूजफुल फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग. बहरहाल HBase इज़ अ कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस. इसका मतलब बेसिकली ये है कि इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. जो नॉर्मल SQL है, अगर आप SQL को टेबल स्टोर करने को देते हैं तो ईच रो गेट्स स्टोर्ड एज एन एटॉमिक यूनिट. तो एक रो, इट्स एन एटॉमिक यूनिट एंड इट गेट्स स्टोर्ड कलेक्टिवली. लेकिन कॉलम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि यू स्टोर द होल कॉलम टुगेदर. सो इफ आई ब्रेक दिस टेबल अप इनटू लेट्स से थ्री कॉलम्स, सो कॉलम ओरिएंटेड का मतलब ये होगा कि आई स्टोर दिस थिंग टुगेदर, दिस थिंग टुगेदर एंड दिस थिंग टुगेदर. सो ये टेक्नोलॉजी इट्स नॉट न्यू. डेटा वेयर हाउसिंग शुरू में जब हम करते थे टेरा डेटा के डेटाबेसिस पे, ओरेकल पे, तो वो रो ओरिएंटेड होते थे, तो दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. बाद में डेटा वेयर हाउसेज आ गए जो कि कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेसिस हैं विद स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. और उस पे जो गालबन SQL की एग्जीक्यूशन होती है दैट इज ऑल्सो कॉलम वाइज. ठीक है, तो इसका मतलब आप याद रखिएगा. एक एग्जाम्पल जो हम अभी देख सकते हैं, आई थिंक इट्स दी वर्टिका. HP ने इसको कर लिया, पहले ये वो नहीं था. दिस वॉज प्राइमरीली अ डेटा बेस विच इज़ द कॉलम ओरिएंटेड डेटा वेयर हाउस. तो जो हम स्टार स्कीमास वगैरह बनाते थे तो वो प्राइमरीली हम लोग जो है वो कॉलमनर वेयर हाउसेस का ये एक सोल्यूशन था. सो वन ऑफ देम वॉज दिस वन वर्टिका एंड द अदर वन आई थिंक वॉज इन्फोब्राइट. सो दिस वॉज ऑल्सो दी कॉलमनर वेयर हाउस. दिस इज द टॉपिक जो कि आप लोगों को इंटरेस्ट करेगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स अ कॉलमनर वेयर हाउस. सो हाँ, इन्फ्राब्राइट DB इज द सोल्यूशन फॉर दैट. सो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ HBase से ताल्लुक नहीं है कि आप कहें कि HBase कॉलम ओरिएंटेड है. तो दिस आर कॉलमनर डेटाबेसिस फॉर एनालिटिक्स. तो ये कॉन्सेप्ट पुराना है. ठीक है, सो पीपल फाउंड आउट के अगर हमने डेटा वेयर हाउसिंग को तेज करना है तो उसके अंदर हमें कॉलमनर एक्सेस देना पड़ेगा, कॉलमनर स्टोरेज देनी पड़ेगी. तो दैट मेक्स इट यू नो स्केलेबल और ऑटोमेटिकली हो जाता है. कॉलमनर स्टोरेज इम्प्रूव द क्वेरी परफॉर्मेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो व्हेन यू हैव द डेटा, सो यू हैव द टेबल लाइक दिस, तो योर टेबल इज स्टोर्ड इन दिस वे, लाइक इन दिस फॉर्मेट रादर देन यू नो इन दिस फॉर्मेट. सो स्टोरिंग इट वर्टिकली मेक्स इट यानी मेक्स द एक्सेस फास्टर. उससे क्वेरी परफॉर्मेंस भी आपकी इम्प्रूव हो जाती है, स्टोरेज कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और जो आपकी स्टोरेज, इट मेक्स इट पॉसिबल टू स्टोर मोर डेटा. तो बेसिकली ये बिग डेटा के लिए कॉलमनर स्टोरेज वॉज अ वेरी वेरी गुड आइडिया. तो ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स में जो नो सीक्वल का जो कॉलमनर वेयर हाउसेज हैं वो इसी इसी आइडिया पे बिल्डअप करके उसमें थोड़ी मजीद चेंजेस करके अपना मॉडल्स लेकर आते हैं. जैसे कसांड्रा हो गया और आपका HBase हो गया. आई थिंक कसांड्रा जो है वो भी आई एम प्रिटी श्योर कि वो भी कॉलमनर है इन बाय नेचर. इट्स अ कॉलमनर वेयर हाउस और डेटा बेस वटेवर जो भी. तो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर. और ये लोग काफ़ी यानी इन्होंने बहुत सक्सेस देखा है उस इंडस्ट्री में. आप देखें कि HP का जो हम कह रहे थे कि इट्स अ वर्टिका,
वर्टिका का मतलब बेसिकली यही है कि वो वर्टिकल डेटा स्टोर करता है ना, तो दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड वर्टिका। तो अब तो इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे बढ़ गए हैं, ये उनके सारे क्लाइंट्स हैं और इतना सारा उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ देयर, दिस अ प्रीटी गुड टूल टू हैव। ये क्लाउड वॉल्ट पे भी सब आ गए हैं, तो दिस इज़ समथिंग जो कि आप अपनी कंपनीज वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी बिग डेटा के सॉल्यूशंस हैं वो दे ऑफर लाइक क्लाउड के ऊपर इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, पर टेराबाइट और पर नोड, कंजम्पशन मॉडल क्या है, यूजेज बेस्ड और कमिटेड स्पेंड, आई डोंट नो व्हाट्स बट दिस मींस, डिप्लॉयमेंट कहीं भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं अपने प्राइवेट डेटा सेंटर में, क्लाउड पे या हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है बोथ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, जब जो कि मैं समझता हूँ हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों, यानी प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ठीक है, और ऑटोमेशन, तो ऑल ऑफ दिस इज देयर, ये सब चीज़ें इकट्ठी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो HBase is a column-oriented database designed primarily for big data, which means that it stores data tables by columns rather than rows. I hope that this is clear. Obviously, this makes the retrieval faster. So, column-oriented ka jo basic benefit hai, agar main aapse sawal puchu, that is, efficient query execution as compared to the row-oriented format. लेकिन जो एच बी एस के टेबल्स हैं ना वो वर्टिका के टेबल्स की तरह नहीं है। ठीक है, वर्टिका में तो ये है कि चलो जी मैंने ये इस तरह से स्टोर कर लिए। एच बी एस के जो टेबल्स हैं उनके अपना एक फॉर्मेट है। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थॉरली। वो डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इफ़ यू कंपेयर टू वर्टिका एंड इन्फोब्राइट, तो ये मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस वर्टिका एंड इन्फोब्राइट। अगर आप उसको वर्टिका और इन्फोब्राइट से आप कंपेयर करें तो उसके अंदर जो है ना वो इट्स अ सिंपल स्टोरेज ऑफ द कॉलम लाइक दिस फॉर्मेट। लेकिन बिग डेटा में हमने देखा है कि वी गॉट डिफरेंट वैल्यूज, वी गॉट डिफरेंट वॉल्यूम्स, वी गॉट डिफरेंट वैरायटीज, वी गॉट लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्कीमास कमिंग अराउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो मतलब हम हर चीज़ को टेबल में मैप नहीं कर सकते HBase के अंदर ना, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो देयरफॉर उन्होंने कहा यार इसका जो ये टेबल का फॉर्मेट छोड़ दो, कॉलमनर रखो, लेट्स टेक इट इज कॉलमनर, लेकिन स्कीमा हम अपना डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जो टेबल्स हैं दे आर सॉर्टेड रो वाइज। तो मेन जो एलिमेंट है HBase के अंदर वो आपका क्या है, रो है, जो प्राइमरी की है वो रो के हिसाब से देखी जाती है, कीप दैट इन माइंड। एंड टेबल स्कीमा इज डिफाइंड ओनली थ्रू कॉलम फैमिलीज। तो अब इसके बजाय कि मैं कहूँ कि जी मेरा एक सिंगल कॉलम है, जैसे NIC हो गया, एज हो गया, आई डोंट नो प्रोडक्ट हो गया, लोकेशन हो गया, व्हाटएवर, उन्होंने कहा यार ये इंडिविजुअल कॉलम के जो नाम है ना ये हमें यहाँ पे नहीं भरेंगे, लेट्स मेक अ कॉलम फैमिली। तो तरतीब इस तरह की होगी कि लेट्स से कि मैं HBase का टेबल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ F व्हाटएवर, और मैं कहता हूँ यार इसमें तीन कॉलम फैमिलीज होंगी, C1, C2, C3। ठीक है, और तीन कॉलम फैमिलीज के अंदर लेट्स से कि बड़ा से इसके कॉलम फैमिलीज कंसिस्ट डेफिनेटली ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, सो दैट इज़ द कॉलम फैमिली हेयर। अब आप कहेंगे भी फैमिली बनाने की क्या ज़रूरत है, वाई डोंट वी हैव अ सिंगल कॉलम। तो फैमिली बनाने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि ये चीज़ बिग डेटा को मैनेज करने के लिए आसान रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि एड्रेस मैंने स्टोर करना है, तो आपको पता है कि एड्रेस के अंदर चार पांच चीज़ें होती हैं, मसलन हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, एरिया नंबर, जोन एरिया, तो उन सब को मैं एक एड्रेस की कॉलम फैमिली में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो मेरी लोकेशन है मैं उसको इस तरह कॉलम फैमिली बनेगी कि एरिया, सिटी, प्रोविंस और कंट्री, ये कॉलम फैमिली बन जाएगी। इसी तरह मेरा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की मैं हायरार्की पूरी एक कॉलम फैमिली में स्टोर कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फैमिली के कॉन्सेप्ट के अंदर ला सकता हूँ, तो दैट मेक्स इट मोर मैनेजेबल। ठीक है, तो इसलिए HBase के अंदर अगर आप टेबल डिफाइन करेंगे तो वो इट विल बी अ कॉलम फैमिली, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सेपरेट कॉलम, वो कॉलम फैमिली ही समझी जाती है। ठीक है, विच आर इन अदर वर्ड्स द एट्रीब्यूट्स और द कॉलम नेम्स।
The column families work as key value pairs. तो इसकी हम तफसील देखते हैं. अगेन देखें key value pair का फायदा यही है कि obviously इसके अंदर आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान है. key value pair takes up insignificant space. You can have millions of key value pairs और आपके storage पे कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं. तो आपके big data को key value format में convert करना ये दुनिया का बेहतरीन काम आप कह लें big data के लिए है. जैसे मोंगो डीबी में आपने देखा, रेडिस में देखा, और अब आप एचबेस में भी यही चीज़ देख रहे हैं. इट बेसिकली कन्वर्ट्स टू की वैल्यू पेयर्स. तो होता तो टेबल है लेकिन उसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो की वैल्यू के फॉर्मेट में होता है. अच्छा, गूगल वालों ने वही, जब गूगल का सारा वो आया था, बूम आया था बिग डेटा का, तो आपको पता है कि उन्होंने मैप रिड्यूस प्रपोज किया था और गूगल फाइल सिस्टम प्रपोज किया था और उसके साथ एक डेटाबेस प्रपोज किया था विच वॉज कॉल्ड बिग टेबल. तो ये अभी भी इनकी, अगर आप देखें कि दे स्टिल हैव द क्वेरी हेयर गूगल का, अगर आप बिग टेबल देखें, हाँ ये तो खैर क्लाउड बिग, हाँ ये देखें क्लाउड बिग टेबल. अब ये दिस इज प्राइमरीली दी, ओके जस्ट लेट मी जस्ट मार्क इट हेयर एज क्लाउड बिग टेबल ताकि आपको रेफरेंस रहे. तो ये गूगल क्लाउड के ऊपर अब आप देख रहे हैं कि ये सर्विस ऑफर हो रही है और ये जो सर्विस है ये बेसिकली अपने बिग टेबल को फ्री कर रहे हैं, मतलब एच बेस को आप समझ लें फ्री कर दिया है. लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, माइग्रेट फ्रॉम अपाची एच बेस टू क्लाउड बिग टेबल विद लाइव माइग्रेशन. ये गूगल ने अब एक अपना शोशा छोड़ा है बेसिकली कि अगर आप एच बेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें और हमारे पास आ जाएं, बिकॉज हम आपकी माइग्रेशंस भी करवा देंगे और हम गूगल हैं, हमारे पास बहुत कुछ है जो एचपीएस के पास नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो ट्राई गूगल क्लाउड कॉन्टेक्ट सेल्स. अब ये ऑब्वियसली ये पेड सर्विस है गूगल की और लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगी. इस पे भी आप लोग जो है ना वो कोई प्रोजेक्ट वगैरह करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं. मैं प्रेफर करूँगा कि हम अपने हैंड्स ऑन करें रादर देन यूजिंग दीज टूल जो कि इंडस्ट्री लेवल पे आप कर सकते हैं. देखें ये कितना उन्होंने ज़बरदस्त बात लिखी हुई यहाँ पे. ठीक है, अ फुली मैनेज्ड यानी आपको कुछ भी नहीं करना, स्केलेबल नो सीक्वल डेटाबेस सर्विस अप टू 99.99% अवेलेबिलिटी. तो कंसिस्टेंसी और पी तो मिलता ही है, सही है. डेटाबेस लेवल पे कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, अवेलेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये अवेलेबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब तकरीबन एसिड हो चुका है. और अब आप ये देखें कंसिस्टेंट सब 10 मिलीसेकंड लेटेंसी. लेटेंसी का मतलब होता है डिले, क्वेरी के रिजल्ट आने में कितना डिले लगता है ड्यू टू बिग डेटा मैनेजमेंट, इसका भी याद रखिएगा. हैंडल्स मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड. ऑब्वियसली ये तो गूगल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है. आइडियल फॉर यूज केस जैसे फिनटेक, आईओटी, डिजिटल मीडिया. सीमलेसली स्केल टू मैच योर स्टोरेज नीड्स, डिजाइन विद स्टोरेज इंजन फॉर मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस. अब ये इनकी एक सर्विस है बिग क्वेरी के नाम से ना. बिग क्वेरी क्या चक्कर है, बिग क्वेरी बेसिकली, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन हियर. और यहाँ पे बिग क्वेरी उन्होंने बेसिकली एक क्वेरी सर्विस बनाई है जो कि बहुत मशहूर है और ये भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है. तो ये करने से पहले ना आप ये जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज केस देखें, ये इन्होंने पूरा एक फ्लो दिया हुआ है. टाइम, ये आपके क्लाउड के ऊपर आपने इसको टाइम सीरीज फाइल्स हैं, टाइम सीरीज स्ट्रीमिंग है, पब सब मॉडल पे, ये काफ्का का होगा प्रॉबेबली. और इन्होंने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया डेटा फ्लो के थ्रू, फिर इन्होंने इसको स्टोरेज पे डाल दिया, क्लाउड बिग टेबल में डाला, क्लाउड स्टोरेज पे डाला और ऊपर से बिग क्वेरी का भी हो गया. ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो खैर उन्होंने सब चीज़ें इकट्ठी करके बता दी हैं. ये किसका प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल एनालिसिस का. Sorry about that. Just... और जो आपका यूज केस आईओटी का है, वो आईओटी के अंदर जो है ना वो यू गॉट दिस डिवाइसेस ऑब्वियसली, तो उसके लिए थोड़े से यहाँ पे मॉड्यूल्स डिफरेंट हो जाएंगे. तो व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स, ये स्टोरेज का मॉड्यूल है, ये एनालिटिक्स का मॉड्यूल है, ये पाइपलाइन है, यहाँ पर भी पाइपलाइन होगी. तो दिस इज द पाइपलाइन. तो एक पाइपलाइन होती है जो कि डेटा को यहाँ से इंटीग्रेट कर रही है. ये इनकी पूरी स्टोरेज लेयर है और ये इनकी पूरी एनालिटिक्स की लेयर है. प्रोसेसिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी जैसा कि एसक्यूएल बेस्ड प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं. ठीक है,
और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर IoT है, और ये इंजेशन है। इंजेशन का मतलब वही होता है इंटीग्रेशन अलोंग विद द पाइपलाइन। डेटा को गेट किया, जिसने भी पब्लिशर्स ये हैं, सब्सक्राइब जिसने भी किया उसको फीड्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपका बिग टेबल के अंदर डेटा स्टोर क्लाउड, ये आपका स्टोरेज इंजन है। यानी आप चाहें तो कुछ चीज़ें बिग टेबल पे डाल लें, कुछ चीज़ें आप नॉर्मल स्टोरेज पे डाल लें जो कि क्लाउड पे अवेलेबल होती है। इसका फ़र्क भी याद रखिएगा, ये मैं सवाल दे सकता हूँ आपको, ठीक है? ये इनका कोई अपना डेटा स्टोर, कोई अपना इनका वर्जन होगा। ये बाहर एनालिटिक्स है, डेटा फ्लो, बिग क्वेरी, डेटा प्रॉक, डेटा लैब, ये गूगल के अपने टूल्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस करने के लिए। और ये एप्लीकेशंस एंड प्रेजेंटेशन, कुबरनिटीज, ये तो खैर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कुबरनिटीज में, यानी मल्टीपल कंटेनर्स वगैरह सब आपस में चल रहे होते हैं। एड टेक के लिए ये है। अब इन्होंने देखे ना, ये बड़े आराम से किया, प्राइसिंग गाइड वगैरह देख लें आप क्या है। अब ये आपको उस तरफ खींच रहे हैं बेसिकली ना, बहुत सारे लोग अब गूगल क्लाउड की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप बिग क्वेरी देखें तो इस द सेम थिंग, मतलब इस अ क्वेरी सर्विस, जैसा कि हम प्रेस्टो की बात कर रहे थे ना, इफ़ यू रिमेम्बर। यार ये वैसे अप्रैल 6 तो गुजर गई है। ओहो, सर्वरलेस, हाईली स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी क्लाउड डेटा वेयर हाउस डिजाइन फॉर बिजनेस एजिलिटी। तो ये अब सर्विस बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप चाहें तो अपना फ्री इसको करना शुरू कर दें, फ्री क्राइस जो स्पेंड ऑन गूगल क्लाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 90 डेज, सही है? तो ये बेसिकली आपके लिए ना वो डेटा आपका करके, और देखें बिग क्वेरी ML, बिग क्वेरी ओमनी एनालाइज डेटा क्रॉस क्लाउड्स सच एज AWS एंड Azure। ओमनी क्या कर रहा है, अगर आपके दो तीन क्लाउड्स पे डेटा पड़ा हुआ है तो ओमनी के थ्रू आप दोनों क्लाउड्स को इकट्ठे क्वेरी कर सकते हैं। बिग क्वेरी का BI इंजन भी आ गया। चलो भाई, ये गूगल का जो डेटा स्टूडियो है उसके ऊपर उन्होंने बिग क्वेरी का BI इंजन बना दिया। बिग क्वेरी का GIS भी आ गया। यानी इकोसिस्टम में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट वगैरह की बात करते हैं उसमें तो मतलब अगर आप क्लाउड पे जाना चाहते हैं तो दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड सोल्यूशन इफ़ यू रियली हैव द बिग डेटा। क्योंकि बिग डेटा में मेरे ख्याल में गूगल की ज़रा ऑफरिंग्स थोड़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अमेजोन। अमेजोन इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, गूगल की बुनियाद ही बिग डेटा ने रखी है। तो अगर आपका वाकई में ऐसा बिग डेटा का प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, IoT का डेटा है, फिनटेक वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं, तो यू प्लानिंग टू माइग्रेट, देन यू कैन माइग्रेट टू गूगल क्लाउड। मैं भी रिसेंटली आई वेंट टू लोरियाल फॉर अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग। तो वो लोग भी जो है ना वो क्लाउड पे ही मूव करना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि ऑल प्रोबेबिलिटी में वो भी गूगल पे जाएंगे, जहाँ तक मुझे बात समझ में आ रही थी। अभी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये कि समहाउ गूगल का ज़रा थोड़ा सा ना वो मामला थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? इट्स गोना बी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। बच्चे, सिर्फ 17 बच्चे आए हैं, ये देखें ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ऑनलाइन ख़त्म भाई, बस अगले हफ्ते से ऑनलाइन ख़त्म। अच्छा, बहरहाल ये एज अ कंपनी के अंदर मैं आपको देखें ये सारी चीज़ें, लोडिंग डेटा इनटू बिग क्वेरी, यहाँ पर अगर आप जाएं, ये मैं एज अ टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज अ प्रोजेक्ट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैच लोडिंग हो गई, राइट API, स्ट्रीमिंग API, मतलब इट्स जस्ट अ सर्विस लाइक प्रेस्टो DB एंड ऑल दोज थिंग्स, जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज के ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे टाइम मिला तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूंगा, लेकिन आई थिंक यू कैन ऑल्सो, वी कैन हैव एन असाइनमेंट ऑन दिस वन, आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है? सो नाउ अब आपको पता चल गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मतलब डिप्लॉयमेंट वगैरह के हिसाब से जहाँ तक ताल्लुक है तो बेहतर यही है कि आप क्लाउड पे चले जाएं। डिप्लॉयमेंट जो है ना वो आपका इन हाउस करना पाकिस्तान के अंदर वो एक बहुत मुसीबत का काम है, और मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी कि आप क्लाउड पे चले जाएं, और क्लाउड ही इसका जो है ना वो अच्छा है। अनलेस कि आपके पास कोई ऐसे चीते 3-4 लोग हों जो कि आपका पूरा वो सिस्टम संभाल सकें, फिर तो चलो सही है, लेकिन अदरवाइज जो है ना वो इट्स बेटर टू गो ऑन द क्लाउड। और इस तरह की सर्विसेज आप इस्तेमाल कर लें, थोड़ा मिनिमल ट्रेनिंग चाहिए होगी, वो तो ट्रेनिंग आप किसी से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, गूगल वालों से भी ले सकते हैं, और देन यू आर गुड गुड टू गो। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। सो इट प्रोवाइड्स अ फॉल्ट टॉलरेंट, क्यों? क्योंकि वो हडूप के ऊपर चल रहा है,
वे ऑफ स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पार्स डेटा। स्पार्स का मतलब ये है कि देर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नल वैल्यूज। अब इसका दिस इज वेरी गुड, क्योंकि जब मैं जाता हूँ उसमें क्या कहते हैं, व्हेन आई रिकॉर्ड द कस्टमर डेटा, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के जो लोग आते हैं, इंश्योरेंस के जो लोग आते हैं मेरे पास, वो क्लेम क्लेम कहने क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं कि जी आप हमारे कस्टमर बन जाएं, आप हमें प्रीमियम देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चों की तालीम है, बेटियों की शादी है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके लिए आप वो ले लें। अब उसमें जो फॉर्म्स वो भरवाते ना, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर कस्टमर की मौजूद ही नहीं होती, या तो वो अवेलेबल नहीं होती उस वक्त, या फिर कस्टमर देना नहीं चाहता, या फिर वो लिखना भूल जाते हैं, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वो शायद लिखना भूल जाते हों। तो बहुत सारे फॉर्म्स में ना चीज़ें खाली होती। अगर मैं उस फॉर्म को उसका डेटा मैं रिकॉर्ड करूँ एच बेस के अंदर, तो हर बंदे के लिए बहुत सारा डेटा आगे पीछे होगा, और हर बंदे के लिए डिफरेंट किस्म का डेटा होगा जो अवेलेबल नहीं, किसी की सैलरी होगी, किसी की नहीं होगी, किसी की लोकेशन होगी, किसी की नहीं होगी, किसी की फैमिली इन्फॉर्मेशन होगी और किसी की नहीं होगी, तो मुख्तलिफ चीज़ें डिफरेंट लोगों की ना जो है ना वो गायब होती हैं। ये आम तौर पर हमारे डेटा रिकॉर्डिंग का ये मसला रहा है। अब मसलन ये एक रो है, आपने कॉलम फैमिलीज यहाँ पे बनाई हुई हैं, तो मैं इस बंदे के लिए ये डेटा खाली है, ठीक है, इस बंदे के लिए ये वाला डेटा खाली है, इस बंदे के लिए ये वाला डेटा खाली है, और कॉलम फैमिलीज के अंदर भी ये खाली हो सकता है, ये खाली, मतलब जो पैटर्न है स्पार्सिटी का वो काफ़ी चेंज होता रहता है, सही है। तो इसलिए ये इट्स नॉट अ रिकमेंडेड, सॉरी ओरेकल वगैरह जो है ना वो इस किस्म के डेटा के लिए स्टोरेज में रिकमेंडेड है, और उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब इसी वजह से एनालिसिस भी हमारी कंपनीज में BI लेवल का भी एनालिसिस सही तरह से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि डेटा आपका प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं होता, तो कस्टमर का आपको पूरा व्यू नहीं मिल रहा। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉट विद इन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ एम्प्टी और अनइम्पॉर्टेंट डेटा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, लेट मी जस्ट सॉरी बोल रहा, तो इसके अंदर मतलब अगर मैं यूं रोज बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मुमकिन है कि यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, यहाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, यहाँ एज वगैरह मिल जाए, सैलरी मिल जाए, बाकी सब चीज़ें हो सकता है कि अनइम्पॉर्टेंट भी हों और खाली भी हों। तो एच बेस जो है ना उसकी खासियत ये है कि वो इतने ज़्यादा कचरे को आप कह लें स्टोर भी कर देता है, और उसके रिट्रीवल भी उसका अच्छा खासा स्पीड में हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज गार्बेज फॉर अस, क्योंकि हमारे काम का नहीं, अनइम्पॉर्टेंट डेटा है, मिसिंग डेटा है, हम मिसिंग वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करते हैं, हम डाल देते हैं डेटा, हमारा सिर्फ गर्ज ये होता है कि क्वेरी की परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, चाहे मोंगो हो, चाहे रेडिस हो, चाहे हाइव हो, चाहे एचपीएस हो, क्वेरी की परफॉर्मेंस हमारी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दैट इज द थिंग, सच एज फाइंडिंग द 50 लार्जेस्ट आइटम्स इन अ ग्रुप ऑफ 2 बिलियन रिकॉर्ड्स। अब आप इसकी इसकी जो एसेंस है आप उसको समझने की कोशिश करें, फाइंडिंग द 50 लार्जेस्ट आइटम्स इन अ ग्रुप ऑफ 2 बिलियन रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको काम एच बेस बड़े आराम से करके दे देता है। दैट इज द खासियत ऑफ एच बेस, ठीक है। एच बेस फीचर्स कंप्रेशन। कंप्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है जब आप इतनी बड़ी चीज़ें डाल रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ें स्टोर कर रहे हो, इतने बड़े बड़े टेबल्स बना रहे हो, बेसिकली टेबल तो एक ही बनता है, उसको हम ब्रेकअप करके क्लस्टर के ऊपर स्टोर करते हैं, बहुत बड़ा टेबल होता है, तो जाहिर सी बात है जैसे हम कंप्रेशन करते हैं कि जैसे मैंने लिखा है कि ABCDEFGHHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये मैं लिखा है, लेकिन इसको मैंने कहा कि यार ये तो अजीब सी बात है, मैं यूं कर देता हूँ A to Z, बस कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया मतलब भी वाजे हो गया। तो बिग डेटा को और आमतौर पर ऑरेकल के डेटा को भी जो है ना वो हम कंप्रेस करके ही स्टोर करते हैं, ताकि कम से कम स्पेस आपकी उस पर आए हार्ड डिस्क के ऊपर ना, और मेमोरी में भी, मेमोरी में तो खैर मेरा नहीं ख्याल कंप्रेशन रहता है, हार्ड डिस्क के ऊपर कंप्रेशन टेक्निक्स मेरे ख्याल में लगाई जाती हैं, जैसे जैसे हमने सीरियलाइजेशन वगैरह की बात की थी, आई डोंट नो कि वो कंप्रेशन टेक्निक में आता है कि नहीं आता, लेकिन हम डेटा को और भी तरीकों से कंप्रेस करते हैं। इन मेमोरी ऑपरेशन, इसके जो ऑपरेशंस हैं वो इन मेमोरी होते हैं यानी रैम के अंदर, एंड ब्लूम फिल्टर्स। ब्लूम फिल्टर बेसिकली एक मैकेनिज्म है फॉर यू नो हैशिंग इनटू अ पर्टिकुलर लोकेशन, इट्स लाइक अ हैश मैप।
तो ब्लूम फिल्टर एक आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है जिसके तहत आप जो है ना वो हैश करके उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। मसलन ये बहुत बड़ा एच बेस का टेबल है, एच टेबल कह लें उसको, जो भी कह लें, और ये मैंने चार नोड्स के ऊपर तकसीम किया हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा चार नोड्स मैंने तकसीम किया हुआ इसको, और ये लेट से कि इसके अंदर जो है ना वो ये पॉइंट मैंने यहाँ स्टोर किया है। अब ये कैसे स्टोर किया, ब्लूम फिल्टर ने मुझे इसकी लोकेशन बताई है कि ये चीज़ यहाँ स्टोर हो सकती है। तो जो हमारे हैश फंक्शंस होते हैं वो यही करते हैं, आप उनको डेटा देते हैं, वो ये बताते हैं कि इस लोकेशन पे इस डेटा को डाल दो, दैट्स अ थिंग, ठीक है। तो ये मैं चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आप लोग कोई बात बात नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर लर्निंग। तो मैं कहता हूँ कि हैश फंक्शंस मैप डेटा टू द लोकेशन एट विच द डेटा इज टू बी स्टोर्ड। तो ब्लूम फिल्टर भी यही है, क्योंकि देखें मसला यही है कि मुझे ये मैकेनिज्म इसलिए चाहिए, उसकी वजह ये है कि बहुत सारा डेटा मेरे पास आ रहा है और मेरे पास लोकेशंस बहुत सारी हैं, यानी एक एक डब्बे को हम सेल कहते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, सेल बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब मैंने किसी डेटा को किस सेल में डालना है ये मैं सिक्वेंशली नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्वेंशियल बहुत स्लो होता है, आई हैव टू यूज़ अ हैश फंक्शन फॉर दैट। तो हैश फंक्शन जो इस्तेमाल होता है वो प्राइमरीली हम ब्लूम फिल्टर के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। इसकी मजीद तफसील में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी उसको देख सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि इट्स अ हैश फंक्शन जो कि एच बेस की टेबल का मुझे सेल बता देता है कि इस रो के इस कॉलम फैमिली में इसको आप डाल दो, या इस रो में स्टोर कर दो, या इस जगह पे स्टोर कर दो, रो को यहाँ क्रिएट कर दो, मेमोरी की किस लोकेशन पे ये रो क्रिएट होगी वो आपको बता देता है, ठीक है। तो ये ऑन अ पर कॉलम बेसिस ये काम करता है, हर कॉलम के लिए ये तीनों चीज़ें आपकी लगती हैं कि इन मेमोरी स्टोर होता है, कंप्रेस्ड होता है कॉलम, और फिर ब्लूम फिल्टर से उस कॉलम का जो डेटा है उसकी लोकेशन डिटरमिन की जाती है, ठीक है। टेबल्स इन एच बेस, ओके जस्ट लेट मी इसको मैं, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो टेबल्स इन एच बेस कैन सर्व एज द इनपुट एंड आउटपुट फॉर मैप रिड्यूस जॉब्स। क्यों भाई, जाहिर सी बात है डेटा आपका टेबल में पड़ा हुआ है, तो अगर मैंने उस टेबल में डेटा प्रोसेस करना है तो मुझे मैप रिड्यूस चलाना पड़ेगा। देयरफॉर टेबल्स इन एच बेस कैन सर्व एज द इनपुट एंड आउटपुट फॉर मैप रिड्यूस जॉब, कि भाई फलां कॉलम फैमिली से डेटा उठाओ, उस पर ये मैप रिड्यूस लगाओ और मुझे रिजल्ट दिखा दो। सो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्सड है, ठीक है, एंड मे बी एक्सेस थ्रू द जावा एपीआई बट ऑल्सो थ्रू रेस्ट एवरो थ्रिफ्ट गेटवे एपीआईज। सही है, तो ये जो एच बेस का डेटा है वो आप डिफरेंट पाइथन के थ्रू, जावा के थ्रू, देखें डेटा बेसिकली जो है ना वो एच डी एफ एस पे होता है, डेटा तो नीचे जाके डेटा एच डी एफ एस पे स्टोर होता है, बिल्कुल नीचे के लेवल पे जाके फिजिकल लेवल पे एच डी एफ एस स्टोर होता है, लेकिन वो मैनेज एच बेस की लेयर के अंदर हो रहा होता है, जैसा कि हाइव का मामला था वही मामला यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके लिए आप रेस्ट एपीआई यूज कर लें, एवरो यूज कर लें, थ्रिफ्ट गेट पे यूज कर लें, तो उसके अंदर जो है ना वो आपका ये काम आपका जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूँ कौन कौन आया हुआ है, ये बहुत कम लोग आए हुए हैं, सही है 22 लोग हैं। अच्छा अपाची फिनिक्स समझ में आ रहा है भाई सबको, अगले हफ्ते क्विज है आपका हाइव और एचबेस का, जरा ध्यान रखिएगा। सर अगले हफ्ते रेडिस का क्विज नहीं था, रेडिस का भी तीनों का इकट्ठा कर लेते हैं यार, क्योंकि अब तीन टॉपिक जमा हो गए, अभी रेडिस का रख ले, अभी उसके बाद रख ले। हाँ नहीं 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 बस ये हो गया, देखते हैं इंशाल्लाह तआला। अच्छा रेस्ट रेडिस में क्या रखा हुआ, रेडिस तो तीन चार कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, वो कौन सा मुश्किल है, एक घंटे में आधे घंटे में रेडिस की तैयारी हो जाएगी, मसला थोड़ी है। अच्छा अपाची फिनिक्स प्रोजेक्ट provides a SQL layer for HBase as well as a JDBC driver. That JDBC, जब आप Java Java code लिख रहे हो तो then you need the JDBC. Java code के अंदर अगर आप सारी चीज़ें access कर रहे हैं तो then you need the JDBC driver. Otherwise ODBC हम driver इस्तेमाल करते हैं connectivity के लिए different data sources से. That can be integrated with various analytics and business intelligence applications. तो ये अगर आप देखें Apache Phoenix, तो ये प्राइमरीली इसके OLTP एंड ऑपरेशनल एनालिटिक्स फॉर अपाची हडूप, तो ये दिस इज वन ऑफ द अदर फ्रंट एंड्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एच बेस का ये फ्रंट एंड अच्छा है,
तो इस पे हम एक प्रोजेक्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको डॉकर के अंदर सारा काम हमें करके दें तो ये उसके अंदर सारा काम हो सकता है। ठीक है, ये मैंने इसको ट्राई नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि बिग डेटा के लिए इसको ज़रा ट्राई वगैरह करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ यूज्ड एज अ फ्रंट, द पावर ऑफ स्टैंडर्ड एसक्यूएल एंड जेडीबीसी एपीआईज़ विद फुल एसिड ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, बाय लेवरेजिंग एच बेस एज इट्स बैकिंग स्टोर। तो आपने एच बेस बना दिया है, अब आपने एच बेस के डेटा को क्वेरी करना है तो आप फिनिक्स इंस्टॉल कर लें। जैसा कि हम हाइव में देख रहे थे ना, हाइव में हमने कहा था भाई प्रेस्टो इज़ वन ऑफ द फ्रंट एंड जो कि हाइव का हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रेस्टो इंस्टॉल कर लें तो उसके अंदर वो चीज़ जो है ना, वो यू कैन डू दैट एज टू 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 मेक इट मोर फॉर्मल। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। इन पार्लेंस ऑफ एरिक ब्रूअर्स कैप थ्योरम, एच बेस इज अ सीपी टाइप सिस्टम। ठीक है, तो इट्स आई मीन सीपी तो मेरे ख्याल में बिग डेटा बेस्ड होता ही है, कसांड्रा हो या एच बेस हो, इट हैज़ टू मेक मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो अब ये नहीं मुझे पता कि इवेंचुअली कंसिस्टेंट है या इमीडिएट कंसिस्टेंट है, लेकिन बहरहाल कंसिस्टेंट है। लेकिन अवेलेबिलिटी में उन्होंने जैसे बताया था कि अवेलेबिलिटी हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये 9 के ऊपर हम बात करते हैं कि 99.9 है या 98.8 है, जो भी है उसके हिसाब से हम बताते हैं कितनी अवेलेबिलिटी है। जो थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी नहीं होती वो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बिग डेटा में सी और ए को एकदम से 100% इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसकी वजह यही है। तो 99.9% भी सही है। ठीक है, सो दिस इज द कंपैरिजन विद एचडीएफएस। ये दैट्स हाउ इट प्रोसीड्स। सो दिस इज योर एचडीएफएस, आपका हडूप का क्लस्टर है, ये उसके ऊपर एचबेस की लेयर चल रही है। ठीक है, एक बंदा होता है डेटा प्रोड्यूसर जो कि सीएसवी फाइल या दूसरी फाइलें जनरेट कर रहा है, और एक होता है डेटा कंज्यूमर जो कि सीएलआई के ऊपर बैठा हुआ है, क्वेरीज चला रहा है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान रीडिंग और राइटिंग चलती रहती है, और डेटा प्रोड्यूसर डायरेक्टली एचबेस में भी राइट कर सकता है और इसमें एचडीएफएस में भी राइट कर सकता है। मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टली एचडीएफएस के कॉन्टेंट को मॉडिफाई कर सकता है या एचबेस के थ्रू कर सकता है। ठीक है, ये हाई लेवल इसका जो आर्किटेक्चर है, ये मैं इसके आपसे पूछ सकता हूँ तफसील के यार इसका क्या मतलब, व्हाट इज हैपनिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटा प्रोड्यूसर तो आपके पता है ओरेकल डेटाबेसिस ही हैं, वही क्या कहते हैं, वहीं से हमें बीच में यहाँ पर एक आपको बेसिकली यहाँ पर पाइथन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो यहाँ ओडीबीसी से डेटा सोर्सेज से यहाँ कनेक्ट करेंगे, और फिर यानी एचबेस की जो एपीआई है, आई डोंट नो मुझे पाइथन की जो अभी जस्ट सर्च पाइथन का हैप्पी बेस, हैप्पी बेस इज अ डेवलपर फ्रेंडली पाइथन लाइब्रेरी टू इंटरेक्ट विद अपाची एच बेस। ये मैंने ट्राई नहीं किया फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मुझे देखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप एच बेस से थ्रू इम्पोर्ट हैप्पी बेस कनेक्शन होस्ट नेम टेबल नेम ब्ला ब्ला ब्ला, तो दिस इज लाइक प्रोवाइड्स अ क्वेरी लैंग्वेज जिसके अंदर आप पाइथन के ऊपर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते। देखिए अब इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पाइथन्स हैप्पी बेस allows interacting with edge-based client through Python language। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लोर कर लें कि जैसा है। अब ये देखें सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। बहरहाल अच्छा, इसके अंदर अब ये चीज़ें आ गई जो HDFS और HBase के दरमियान डिफरेंस क्या है। HDFS तो आपको पता है कि इट्स अ DFS, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम, और HBase एक डेटा बेस है जो कि HDFS के ऊपर चल रहा होता है। ये बेसिक दोनों का डिफरेंस ये है। HDFS डेटा बेस नहीं है, देयरफॉर उसके अंदर कोई भी लुकअप्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप गेट कर सकते हैं डेटा, पोर्ट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेरीज चलाई थी, लेकिन डज नॉट सपोर्ट फास्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड लुकअप्स। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेरी एग्जीक्यूशन। ठीक है, बस वो रिट्रीव कर देगा अपनी सिक्वेंशियल की स्पीड के ऊपर। एच बेस के अंदर ये फैसिलिटी होती है, हम ऊपर बात कर चुके हैं। बैच प्रोसेसिंग का एच डी एफ एस से कोई ताल्लुक नहीं है। एच डी एफ एस बैच प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा लेटेंसी दे देगा, बहुत डिलेज आएंगे। क्या आप कहेंगे मैं एक एक बैच के ऊपर डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ, बैच स्टोर करता हूँ, फिर दूसरा बैच स्टोर करता हूँ, तो एच डी एफ एस इस काम के लिए नहीं। बस आप उसको डेटा देते जाएँ, वो स्टोर करता चला जाएगा। बैचेस होते भी हैं तो वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो
इट्स नॉट मेंट टू प्रोसेस द बैजेस. स्टोरेज आप कर लें, स्टोरेज हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि बैच लेवल पे मैं चीज़ों को क्वेरी करना शुरू कर दूं, तो वो चीज़ें इतनी इतना फास्ट आपको उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी. एचबेस के अंदर लो लेटेंसी एक्सेस टू सिंगल रोज फ्रॉम बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स. यानी बैच की तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो कह रहे हैं कि इधर तो हम कह रहे हैं यार बैच भी ले आओ, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, मुझे बैच रिट्रीव करके ला दो. वो कह भाई मैं ये भी नहीं कर सकता एफिशिएंटली. यहाँ पे वो कह रहे हैं यार आपके पास बिलियंस ऑफ रोज हैं, उसके अंदर से कुछ चंद रोज चाहिए तो वो भी मैं आपको सही तरह करके दे दूंगा. ये वही बात है हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है. HDFS का ये मसला जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो सीक्वेंशियल करता है सब काम ना. सीक्वेंशियल काम बहुत स्लो होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. उसके अंदर कोई हैश फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एफिशिएंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस एक बोरिंग रूटीन के अंदर सीक्वेंस में चीज़ें चल रही होती हैं. HBase जो है ना, देखें यहाँ पे क्या लिखो, इंटरनली यूजेस हैश टेबल्स एंड प्रोवाइड्स रैंडम एक्सेस. रैंडम से मतलब क्या, ये पूरा समंदर है डेटा का. मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, क्लाइंट हूँ, तो HBase मुझे जंप करा के फ़ौरन यहाँ पे ला के दे देगा यूजिंग द हैश टेबल्स, हैश फंक्शंस, ब्लूम फिल्टर्स वगैरह. एंड इट स्टोर्स द डेटा इन इंडेक्स्ड HTML फाइल्स फॉर फास्टर लुकअप्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डेटा जो HBase का होता है वो स्टोर तो हो रहा होता है HDFS के अंदर ही. अगर ये पूरा HBase है तो डेटा की स्टोरेज एक्चुअली HDFS के ऊपर हो रही होती है, लेकिन वो स्टोरेज किस तरह होती है वो HBase की API उसको मैनेज करती है. मसलन यहाँ लिखा हुआ है कि HDFS की मैं फाइलें बनाऊंगा और उनको इंडेक्स कर दूंगा. इंडेक्स क्या करूंगा कि मुझे पता होगा HDFS की कौन सी फाइल में कौन सी चीज़ पड़ी है और कहाँ पर पड़ी हुई है. तो लिहाजा जब यहाँ पे क्लाइंट की कोई क्वेरी आएगी कि भाई मुझे स्कैन करना है HBase का टेबल, तो ये जो HDFS के जो कॉलम का जो HDFS के जो कॉलम है उसका जो वो है क्या कहते हैं इंडेक्स है, HDFS के जो फाइलें बनी है उसका इंडेक्स है, वो इस्तेमाल होगा फिर ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के लिए, और उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके फास्टर लुकअप्स आ जाएंगे. तो ये चीज़ प्लीज़ ज़रा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है. अच्छा, अभी तक कोई सवाल जवाब हैं? सारे खामोश बैठे हैं जी. हसन इकराम आप हैं इधर? असद हाशमी जी सर, किरण, कुलसुम, अभी कैंपस में कौन कौन आया हुआ है? तो आई होप दैट अप टू नाउ इट इज क्लियर HBase क्या चीज है और क्या क्या चीजें उस पर चल रही है. तो स्टोरेज मैकेनिज्म ये मैंने आपको बता दिया था कि इट्स अ कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस एंड द टेबल्स इन इट आर सॉर्टेड बाय रो वाइज, वो उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाती हैं. यानी रो आपकी रो ID जो है प्राइमरी की है बेसिकली, ठीक है. और सॉर्ट करने का ये बता सकते हैं कोई, सॉर्टिंग का क्या मतलब है? What do you mean by sorting? जी, रो को सॉर्ट करने की क्या जरूरत है? डेटा को सॉर्ट क्यों करते हैं? करने के लिए तो है, डेटा को सॉर्ट इसलिए करते हैं डेटा को ताकि क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी फास्ट हो सके. अगर डेटा सॉर्टेड पड़ा होगा तो उसको इंडेक्स करना भी आसान होगा और उसको एक्सेस करना भी आसान होगा, उसको स्टोर करना भी आसान होगा. सॉर्टिंग से एक ऑर्डर आ जाता है जो कि बिग डेटा मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है. तो HBase की जो रोज हैं वो आर सॉर्टेड बाय रो ID. द टेबल स्कीमा डिफाइंस ओनली कॉलम फैमिलीज, ये हम बात कर चुके हैं, विच आर द की वैल्यू पेयर्स. ये अभी इसको मजीद तफसील देते हैं. अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम फैमिलीज. अभी इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. ईच कॉलम फैमिली कैन हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम्स. सब्सिक्वेंट कॉलम वैल्यूज आर स्टोर्ड कंटिग्यूसली ऑन द डिस्क. यानी एक के बाद एक. Each cell value of the table has a timestamp. यानी एक भी डेटा पॉइंट जो आप एक कोई भी डेटा पॉइंट आप स्टोर करते हैं, जैसे आप 2 स्टोर करते हैं, एज किसी की लेट से 25 स्टोर करते हैं, तो उसके साथ जो है ना वो किसी सेल में अगर वो स्टोर हो रही है तो उसके साथ एक टाइम स्टैम्प एसोसिएटेड होगा. यानी हर सेल के साथ अपना टाइम स्टैम्प होता है. अब हमारे रिलेशन ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंपेयर विद टाइम स्टैम्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेसिस. ये सवाल आ सकता है आपका एक फाइनल एग्जाम में, ठीक है. रिलेशनल डेटाबेसिस में क्या होता है कि भाई ये
एक ही टाइम स्टैम्प का कॉलम होता है, अगर किसी का तजर्बा हुआ हो तो टाइम स्टैम्प का एक ही कॉलम होता है, और वो टाइम स्टैम्प का कॉलम पूरी रो के लिए एप्लीकेबल होता है कि ये पूरी रो इस टाइम स्टैम्प पे मेजर हुई थी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं एच बेस के अंदर, एक तो आप बना रहे थे कॉलम फैमिली, ठीक है जी कॉलम फैमिली बना लो और रो पे सॉर्ट करके स्टोर कर दो, ठीक है भाई। अब एक सेल में जो भी डेटा एक सेल के अंदर स्टोर होगा, वो जो डेटा है उसका टाइम स्टैम्प अवेलेबल होगा। ये नहीं है कि पूरी रो का एक ही टाइम स्टैम्प है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर सेल का अपना टाइम स्टैम्प होता है। क्यों भाई, ऐसी वजह, इसकी कोई वजह बता सकता है, इसका क्या फायदा है? सर टाइम स्टैम्प के बेस भी हम फेच कर सकते हैं डेटा को इस वजह से। हाँ, क्योंकि डेटा स्पार्स है ना, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा दिमाग अपना खुला करें सब लोग। डेटा स्पार्स है, स्पार्स का मतलब है कि यहाँ बीच में बहुत सारी नल वैल्यूज आ रही हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपका डेटा स्टोर है, बाकी बहुत सारी नल वैल्यूज भी हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेटा भी आपने फेंका हुआ है, जो डेटा क्वेरी होना है वो कदरे कम है। तो उन्होंने कहा यार इसके बजाय कि मैं पूरे टेबल को एक ही टाइम स्टैम्प दूँ, पूरी रो को, मैं जो हर सेल को मैं टाइम स्टैम्प, देखो जो सेल एम्प्टी है वहाँ पर टाइम स्टैम्प की जरूरत ही नहीं है, तो पूरी रो को टाइम स्टैम्प देने का क्या तुक है। अब अगर प्राइमरी की जो like है देखिए, मेन चीज जो है ना वो रो आईडी होती है, आरआईडी, ठीक है। अब इस रो आईडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स बने हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम फैमिलीज, और उन सेल्स के अंदर सारे सेल्स फिलअप नहीं है, कुछ सेल्स के अंदर डेटा होता है, बाकी स्पार्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नल वैल्यूज इन बिग डेटा। अब वो बोल रहे हैं यार अगर मैं इस पूरी रो आईडी को एक टाइम स्टैम्प देता हूँ तो नल वैल्यूज को टाइम स्टैम्प की क्या जरूरत है, मैं क्यों इतना बड़ा मेंटेन करूं? तो जो डेटा आपने रिकॉर्ड किया है, जब भी डेटा आता है उसको टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड कर दो, खत्म, उसको एक्सेस करने में आसानी होगी क्योंकि डेटा बहुत सारा स्पार्स है। सही है, ये चीज आप याद रखिएगा। और यहां मैं लिख देता हूं कि नो नीड टू स्टोर टाइम स्टैम्प फॉर कंप्लीट रो due to presence of more null values, ठीक है, in each row, इसका concept याद रखिएगा। तो null values को इन्होंने जो है ना basically कटा दिया दूसरे अल्फाज में, ठीक है। अच्छा, then table is a collection of rows, अब ये है basically आपका ना model, और भी model नीचे मैंने बनाए हैं, यानी copy किए हैं basically Google images से। ये आपका बेसिक मॉडल है, ये दिस इज वन कंप्लीट रो वन, ये इसके अंदर चार कॉलम फैमिलीज हैं, हर कॉलम फैमिली के अपने कॉलम नेम्स हैं, हर किसी कॉलम फैमिली का दूसरी कॉलम फैमिली के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, कॉलम नेम्स, कॉलम फैमिली के अंदर कॉलम नेम्स एक दूसरे के मेरे ख्याल में सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉलम फैमिली का नाम अलग होना चाहिए बस। दिस इज ऑल द डेटा स्टोर्ड। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज, रो इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम फैमिलीज। अब ये जो रो है, ये रो कंप्राइजेज ऑफ थ्री कॉलम फैमिलीज, सॉरी फोर कॉलम फैमिलीज। कॉलम फैमिलीज इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, तो ये कॉलम फैमिली तीन कॉलम फैमिलीज की है, और ये जरूरी नहीं है कि हर कॉलम फैमिली में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हों, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। बस इसके अंदर तीन है, इसके अंदर पांच होंगे, इसके अंदर दो होंगे, इसके अंदर छह होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। कॉलम इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब कॉलम के अंदर क्या होता है, अब देखें ये जबरदस्त टेक्निक है। अब लेट से मेरे पास तीन बंदों का ये कॉलम एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 23, यहाँ पे लिखा हुआ है 33, यहाँ पे लिखा हुआ है 43, तो ये पूरी एक की वैल्यू पेयर बन जाएगा आराम से, कॉलमनर, ठीक है, बेहतरीन काम हो गया, फटाफट उसको आप रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो कितना ज़बरदस्त फॉर्मेट है कि पूरे कॉलम का एक ही की वैल्यू पेयर बना दिया, तो इससे अच्छी मैपिंग नहीं हो सकती रिलेशनल डेटा की। ऑल दो हम जेसॉन वगैरह की बात कर चुके हैं, लेकिन इससे अच्छी मैपिंग हो नहीं सकती रिलेशनल डेटाबेस की। पूरे कॉलम का आपने पकड़ के चाहे मिलियंस ऑफ रोज पे वो जा रहा है, वो पूरा एक ही की वैल्यू पेयर बन जाता है और बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज में रिट्रीवल में जो है ना उसकी आसानी होती है। अच्छा, ये एक दूसरा उसका पिक्चर है, ये गूगल इमेजेस से मुझे मिला है। इसके अंदर जो है ना आप, ये आपकी रो कीज़ हैं, हर रो की अपनी की होती है,
जो कि ए सॉर्ट ऑफ अ प्राइमरी की आप कह रहे हैं, कॉलम फैमिलीज देखें इसके अंदर एक है, दो है, तीन है, एक डब्बे को आप सेल कहते हैं, हर सेल का अपना टाइम स्टैम्प होता है और जो चीज़ें आप यहाँ स्टोर करते हैं उसको वैल्यू कहा जाता है, ठीक है, इसको वैल्यू कहते हैं। वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे जो 23 की मिसाल दी थी वो वैल्यूज़ हैं और एक 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 स्क्वायर को आप सेल कहते हैं, वैल्यू है। एच बेस का टेबल इस फॉर्मेट के ऊपर बनाया जाता है। दिस अनदर एग्जांपल जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है ना वो आपका रो आईडी है, बेसिकली पर्सनल डेटा में आप देख रहे हैं नेम और सिटी आ रहा है, प्रोफेशनल डेटा राजू रावी राजेश ये इनके पर्सनल डेटा आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये इंडिया में होगा, और प्रोफेशनल डेटा के अंदर तो ये दो कॉलम फैमिली है, पर्सनल डेटा प्रोफेशनल डेटा, लव 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 सैलरी भी लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल इसकी रो की और स्टूडेंट्स का एक कॉलम फैमिली है, ब्रांच का एक कॉलम फैमिली, देखिए ना अभी लॉजिकल डिवीजन बनता है, अगर मैं एकेडमिक डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो स्टूडेंट की कॉलम फैमिली जिसमें नेम एज आ गया और ब्रांच में कौन सी ब्रांच में पढ़ रहा है और जीपीए उसका क्या है, ये आपका उसका आ गया वो, ठीक है। दिस अदर एग्जांपल जिसमें ये रॉ की जो है ना ये मेरे ख्याल में डिफॉल्ट की को जनरेट होती होगी, इसमें कॉलम फैमिली जो है ना मैप ये आई थिंक दिस इज सिक्वेंशियल डेटा लोकेशन डेटा सॉरी दिस सीम्स टू बी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अब आप देखें ना ये चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, अब ये एक रो की है, एक रो की मैप हो रही है एक कॉलम फैमिली के ऊपर, ठीक है, ये रो की जो है इस केस में सिर्फ एक कॉलम फैमिली पे मैप हो रही है जिसके अंदर तीन कॉलम्स हैं। यहां पर क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर, यहां पर बेसिकली एक रो की है जो कि मल्टीपल कॉलम फैमिलीज पे मैप हो रही है, द सेम रो की इज बीइंग मैप टू मल्टीपल कॉलम फैमिलीज, वो डिपेंड करता है आपने कितनी कॉलम फैमिलीज क्रिएट की हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कॉलम फैमिली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज़ को प्लीज आप जहन में रख लें। मैं अगर आपको कहूँ ना कि कंट्रास्ट करें, मैं लिख देता हूँ कि रिमार्क दैट द कॉलम फैमिलीज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब आप जो सो डोंट सो इसमें मैं लिखता हूँ कि A row ID, the main supporter, आप कह लें, of a column family is the row ID only. ठीक है, supporter का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिससे उसका ताल्लुक है, जो उसके साथ उसका relationship है, association है. The main association of a column family is only with the row ID, ठीक है, so one row ID can be associated with multiple column families, but the column families are not interrelated, याद रखिएगा जरा, in any way with each other, even though they might be sharing the same row ID. मतलब ये समझ में आ रही ना बात की, अब आप कहेंगे कि जी compare with relational use case, रिलेशनल यूजेस में आप कहेंगे कि सर ये तो मतलब आपने अजीब सी बात लिख दी है, रिलेशन में तो ये होता है कि जी ये टेबल है और ये पूरी रो एटॉमिक होती है, ये टाइम स्टैम्प है, ये प्राइमरी की होती है, टाइम स्टैम्प है, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, दे आर फॉर्मिंग वन रो, बिल्कुल सही है, लेकिन एच बेस में ऐसा नहीं होता, एच बेस में सिर्फ और सिर्फ रो आईडी का ताल्लुक कॉलम फैमिली के साथ होता है, उसको पता है कि मैं किस किस कॉलम फैमिली का रो आईडी हूं एंड दैट इज इट, और हर कॉलम फैमिली एक इंडिपेंडेंट एक जिन भूत है आप कह लें, कि जैसे यहां पर आप देखें अगर कोई क्वेरी आती है तो क्वेरी पर्सनल डेटा पे क्वेरी आती है तो मैं पर्सनल डेटा की कॉलम फैमिली के अंदर छलांग लगा दूंगा, मुझे प्रोफेशनल डेटा से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर ऐसी क्वेरी आती है जो कि दोनों में आती है तो फिर वो एचपीएस उसको मैनेज करेगा किसी तरीके से, फिनिक्स के थ्रू या बिग क्वेरी के थ्रू, जैसा भी है, सही है, ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई? हाँ, ये इस पर गलती ना कीजिएगा, सुन लीजिएगा इसको। अच्छा, अब इसका आर्किटेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, ठीक है। आर्किटेक्चर इसका क्लाइंट क्लाइंट क्या होता है, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं,
क्लाइंट से क्या मतलब है? हाँ भाई एक्सेस टर्मिनल है, क्या कह रहे हैं? से जहाँ से यूजर एक्सेस करेगा इसको, हाँ टर्मिनल 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 है बस, आप कह दे टर्मिनल है खत्म, यूजर की क्वेरी है जहाँ से आ रही है। अच्छा अब इसका आर्किटेक्चर ये है कि बेसिकली आपके पास दो दो एक मास्टर है जिसको हम कहते हैं एच मास्टर, ये सर्विस है एक, ठीक है, जहाँ पे जैसा कि आपके पास नेम नोड होता है वो सारी चीज़ें, वो तो खैर यहाँ चल ही रही हैं, नेम नोड वगैरह तो यहाँ चलता ही रहता है, लेकिन अब एच बेस का जो मामला है उसकी अपनी सर्विसेज हैं, ठीक है। एच बेस जो है ना वो डेटा, जो एच बेस का टेबल आप बनाते हैं ना वो टेबल एक ही टेबल होता है लेकिन उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसके टुकड़े करके लॉजिकल स्कीमा के टुकड़े नहीं कर रहे, स्कीमा के टुकड़े कौन से हैं? कॉलम फैमिलीज और रो आईडीज, ठीक है, वो स्कीमा के पार्ट्स हैं, स्कीमा के पार्टीशंस हैं, स्कीमा के पीसीज हैं। फिजिकल स्टोरेज के अंदर भी उसको ब्रेकअप किया जाता है और वो ब्रेकअप के जो पोर्शन है उनको कहते हैं रीजन्स। अब रीजन क्यों कहते हैं, ये उनकी एक पार्लांस है बस। तो अब जैसे दिस कैन बी रीजन वन, रीजन टू, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, रीजन थ्री, और मुमकिन है कि ये मिलके पूरा का पूरा एक रीजन फोर हो जाए, रीजन फाइव। अब मैंने अपने पूरे के पूरे एच बेस के टेबल को जिसमें मैंने बिग डेटा फेंका है बहुत सारा गीगाबाइट्स का, मैंने उसको रीजन्स में तोड़ दिया, एच बेस ने तोड़ दिया। अब रीजन्स को मैनेज करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ रीजन सर्वर का। तो ये वर्टिकली मैनेज होते हैं, मैं कुछ रीजन्स को कंबाइन कर देता हूँ और उनको मैं रीजन सर्वर को देता हूँ, भाई ये तुम जो हो एज अ रीजन सर्वर इन दो रीजन्स के जिम्मेदार हो, अगर मुझे इन दो रीजन्स का डेटा चाहिए तो मैं तुम्हें पूछूंगा, एच मास्टर बोलते हैं मैं तुम्हें पूछूंगा, तुमने मुझे इसका डेटा देना होगा, वो कहता है ठीक है डन हो गया, प्रोटोकॉल डिफाइन हो गया। इसी तरह मैं पूरे सारे रीजन्स को मैं मुख्तलिफ रीजन सर्वर्स में कंबाइन करके और एच बेस के साथ, सॉरी एच मास्टर के साथ मैं कम्युनिकेट करता हूँ, दैट इज़ द बेसिक आइडिया, ठीक है। अब आप कहेंगे जी ये रीजन स्टोर कैसे होता है, तो भैया स्टोर वो एच डी एफ एस पे ही होता है इन द फॉर्म ऑफ एच डी एफ एस फाइल्स, वो अगली डायग्राम में आएगा। रीजन सर्वर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि एक रीजन सर्वर हडूप के एक नोड पे चल रहा हो, मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है, मुमकिन है कि एक ही नोड पे दो रीजन सर्वर्स भी चल रहे हों, ऐसी मैंने कोई रिक्वायरमेंट कभी पढ़ी नहीं है कि रीजन सर्वर एक नोड पे एक ही चलेगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं एक ही नोड के ऊपर, और लोड बैलेंसिंग के वक्त वो फिर खुद ही एच बेस इसको मैनेज करता है। बहरहाल वो मैनेजमेंट ज़ू कीपर की होती है। रीजन सर्वर्स को आगे पीछे करना, रीजन सर्वर्स को डिफाइन करना, रीजन्स को डिफाइन करना, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, ये सब चीज़ें सही चल रही हैं, कम्युनिकेशन एच मास्टर की सही हो रही है, वो यहाँ पर अब ज़ूकीपर का काम है, ज़ूकीपर की सर्विस यहाँ पर चल रही होती है। देखें अगर आप हडूप का क्लस्टर बनाते हैं उसमें भी आपको ज़ूकीपर चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ये भी एक पूरा क्लस्टर की सिचुएशन है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ क्लस्टर, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको प्राइमरीली You need to have this zookeeper in place, जिसके साथ वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ मैनेज हो सकें। ये ओवरऑल आइडिया जो है ना इसका ये है, ठीक है, ये बाजी ये एडुकबा से लिया है। तो मास्टर सर्वर कौन सा है, ये इसको हम एच मास्टर कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अब ये मास्टर सर्वर का आप देख रहे हैं वही, अब ये मैं आपको बेसिक बात बता दी, असाइंस रीजन्स टू द रीजन सर्वर, और ये मास्टर ही करेगा जाहिर सी बात है, टेक्स द हेल्प ऑफ zookeeper फॉर दिस टास्क, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई तू जो है तू रीजन है तू इस सर्वर के पास जाएगा, तू रीजन है तो इस सर्वर के पास जाएगा, ये एच मास्टर का काम है और ज़ूकीपर से हेल्प लेके वो ये काम कर लेता है। लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि अगर रीजन सर्वर्स मुख्तलिफ नोड्स पे चल रहे हैं तो नोड डाउन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रीजन सर्वर को दोबारा से अप करना पड़ेगा, फॉल्ट टॉलरेंट है ही, तो उसके लिए लोड बैलेंसिंग चाहिए होगी, उसके लिए भी आपको ज़ूकीपर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। अनलोड्स द बिजी सर्वर्स एंड शिफ्ट्स द रीजन्स टू लेस ऑक्यूपाइड सर्वर्स, तो लेट्स से कि मेरे पास ये पांच छह रीजन सर्वर चल रहे हैं, इन दो पे लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है क्वेरी का, इन पे कम आ रहा है, तो कुछ रीजन्स मैं यहाँ से निकाल के इधर कर दूंगा, ठीक है, ये याद रखिएगा इस बात को, और ताकि लोड जो है ना बैलेंस रहे। मेंटेन द स्टेट ऑफ द क्लस्टर बाय नेगोशिएटिंग एंड लोड बैलेंसिंग, नेगोशिएटिंग का क्या मतलब है भाई यहाँ पे कौन बताएगा, शाबाश जी, नेगोशिएटिंग का क्या मतलब है, नेगोशिएट करने की क्या जरूरत है यहाँ पे जी भाई, हाँ बोले यार
सो क्यों रहे हैं? एच मास्टर को नेगोशिएट करना है रीजन सर्वर के साथ, मैं तुमसे रीजन ले लूंगा, तुम्हें ये रीजन दे दूंगा, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन का पूरा प्रोटोकॉल चलता रहता है, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कीमा चेंजेस, स्कीमा चेंज भी हो सकता है, एंड अदर मेटा डेटा ऑपरेशन सच एज क्रिएशन ऑफ टेबल्स एंड कॉलम फैमिलीज। सो रीजन सर्वर्स हैव रीजंस दैट, अब ये हमने एच मास्टर का देख लिया, ठीक है, आपके रीजन निकालना है, रीजन डालना है, लोड बैलेंसिंग करनी है, कितने रीजन सर्वर होने चाहिए, हर सर्वर के पास कितने रीजन होने चाहिए, ये सारा काम ज़ूकीपर के हेल्प से कर लेता है। रीजन सर्वर क्या करता है, ऑब्वियसली रीजन सर्वर कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड हैंडल डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस, क्योंकि वाई भाई, वाई कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट जी भाई, क्योंकि डेटा उसके पास है ना, ठीक है, तो क्लाइंट डायरेक्टली रीजन सर्वर से भी एचपीएस उसको अलाउ कर सकता है कि डायरेक्टली रीजन सर्वर से कम्युनिकेट कर ले। हैंडल द रीड एंड राइट रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रीजन्स अंडर इट, ये उसका काम है। डिसाइड द साइज ऑफ द रीजन बाय फॉलोइंग द रीजन साइज थ्रेशहोल्ड। सो अब ये जरा अंदर डिटेल की बातें, अब इसमें हम बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जा सकते। रीजन साइज के थ्रेशहोल्ड्स डिफाइन हो सकते हैं, सारे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर सारा डेटा होता है, इस तरह आपका ये काम चल जाता है, ठीक है। अ क्लोजर लुक एट रीजन सर्वर, अब ये मुख्तलिफ मैंने इसको हिस्से थे इसके, ये टेबल का एक हिस्सा आ गया, ये चार रीजन्स मैंने बना दिए। अब हो क्या रहा है कि मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, उसको कहता हूँ स्टोर, और एक चीज़ है मेम स्टोर, और यहाँ पे है एच फाइल। तो ये बेसिकली आपका पूरा एच डी एफ एस का सिनेरियो है, मैं आपको बता देता ना कि डेटा आपका एच डी एफ एस पे स्टोर होता है। तो ये रीजन्स जो है ना, ये स्टोर कैसे होते हैं, उसके लिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। ये डेटा एक्चुअली, ये डेटा जो एच डी एफ एस पे जाके इस तरह से स्टोर होता है एच फाइल्स के अंदर, दैट्स कॉल्ड एन एच फाइल, या स्टोर फाइल भी उसको कह सकते हैं। और ऊपर से जो मैनेजमेंट के लिए आप ये, दिस इज एक्चुअली, इस पूरे डब्बे को हम स्टोर कह रहे हैं, ये जो पूरा लाल डब्बा मैं बना रहा हूँ इसको हम स्टोर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्टोर, ठीक है। और स्टोर के अंदर जो है ना, मैं मुख्तलिफ फाइल्स बनाता हूँ, स्टोर फाइल्स होती हैं जो कि मेरे टेबल्स को यहाँ पे रीजन्स को स्टोर करती हैं, सही है। द स्टोर कंटेन्स मेमरी स्टोर एंड एच फाइल्स। मैम स्टोर, अच्छा ये मैं इसको मैम स्टोर कर देता हूँ। मैम स्टोर इज जस्ट लाइक अ कैश मेमोरी, जैसे कि ट्रेडर्स होता है। अब यहाँ पे आप अगर देखें, ये पूरा एक डेटाबेस है प्राइमरीली एच बेस का, देखें मैम स्टोर, लेकिन ये देखें इस तरह की चीज़ अब यहाँ पर भी है, मेमोरी स्टोर ना, इन मेमोरी डेटा स्टोर। ये जो हम उसका पढ़ रहे थे, आर्किटेक्चर देख रहे थे ना, वो फिनटेक वगैरह का, उसमें ये चीज़ स्टोर हो रही थी। तो ये गूगल वालों ने अपना बनाया है इसके एवज में, जो यहाँ मैम स्टोर टिपिकल एच बेस के अंदर, बल्कि गूगल वालों ने बनाया होगा, एच बेस वालों ने तो उसको कॉपी किया होगा, ठीक है। तो ये मेमोरी स्टोर है, ये रेडिस की तरह है, रेड्यूसिंग एंड स्केलेबल हाई इन मेमोरी सर्विस फॉर रेडिस एंड मेम कैश्ड। लो भाई, ये अलग चीज़ आ गई, ये रेडिस से भी आगे की चीज़ आ गई। रेडिस की भी जो इन मेमोरी, हालांकि रेडिस खुद भी इन मेमोरी के लिए हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप रेडिस वगैरह डेटाबेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसके लिए अच्छी सर्विस दे सकता है एज अ इन मेमोरी स्टोर, डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये रेडिस के डेटा को भी स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली दो चीज़ें हैं जो कि कैश्ड की तरह इस्तेमाल करती है, रेडिस है और मैम कैश्ड है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे एक मिनट, लेट मी जस्ट पुट दिस हियर, ताकि आप उसके कंपेयर विद गूगल्स मेमोरी स्टोर, ये नई चीज़ है बेसिकली, वरना मैम कैश्ड और रेडिस तो मेरे ख्याल में पुराने हैं। I'm not really sure about that, लेकिन I think के वो पुराने होंगे। दूसरा Redis and Memcached, ये भी सर्च करते हैं इसको। तो अगर आपने कैश मेमरी क्रिएट करनी, तो कैश की क्या जरूरत होती है, कैश में जो चीज़ होती है वो फिर जहाँ पर भी क्वेरिंग होगी वहाँ पे कैश आपको काम आ सकती है। तो ये खैर गूगल का अपना ये मेमरी स्टोर है, लेकिन अगर मैं मैम कैश देखूँ, ये Redis की तरह का एक जो है ना कैशिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। ये मैम कैश भी काफ़ी मशहूर है, ये सपोर्टेड बाय नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी है, ये आप मैम कैश भी इस्तेमाल, दिस इज आल्सो कैश जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेमोरी ऑब्जेक्ट कैशिंग सिस्टम, जैसे कि रेडिस है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सिंपल होता है रेडिस के मुकाबले में, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे कोई इसका कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है
हैंड्स ऑन के ऊपर, ठीक है। मेम स्टोर जो है ना वो एच बेस का जो अपना डिफॉल्ट है उसको मेम स्टोर कहते हैं। गूगल वाला मेमोरी स्टोर है, रेडिस मेम कैश, ये अलग चीजें, तो इनका डिफरेंस वगैरह याद रखिएगा। मेम स्टोर इज जस्ट लाइक अ कैश मेमोरी, एनीथिंग दैट इज एंटर्ड इन द एच बेस इज स्टोर्ड हियर इनिशियली। जो भी चीज एच बेस में रीजन में आती है, जब रीजन बनाया जाता है, कोई डेटा स्टोर किया जाता है, तो वो मेम स्टोर में आ जाती है, ठीक है। लेटर द डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड सेव्ड इन एच फाइल्स एज ब्लॉक्स एंड द मेम स्टोर इज फ्लश्ड। तो मैंने आगे बात की, तो एक जंक्शन है, इट स्टोर एज अ जंक्शन, तो ये बिहेव्स एज अ जंक्शन। जंक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग लेवल के ऊपर डेटा को एच बेस में, एच डी एफ एस में नहीं फेंक सकता। तो जब भी आप रीजन क्रिएट करते हैं, पहले वो मेम स्टोर के कंट्रोल में रहता है, उसके बाद फिर वो एच डी एफ एस में चला जाता है, ठीक है भाई। ये क्लियर होगी बात, इस पूरे मैकेनिज्म को आप स्टोर कहते हो, उसके अंदर मैम स्टोर होता है। ये आपके लेवल पे कहानी हो गई जी, कॉलम फैमिली बना दो, ये बना दो, रीजन से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं, एचबीएस खुद बनाता है रीजन। ये जो है ये आपके अंदर की कहानी हो गई जो कि एचडीएफएस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। एचडीएफएस के ऊपर ही फिर एचबीएस आपका चलता है। ये वही चीज़ है, जू कीपर, क्लाइंट, एच मास्टर। अब आप देख रहे हैं कि हर रीजन का अपना एक मैम स्टोर डिफाइन हुआ है कॉलम फैमिलीज के हिसाब से। टेबल फू, मैम स्टोर CF1, मैम स्टोर CF2, देख रहे हैं आप। तो टेबल फू एक अलग रीजन के अंदर है, टेबल बार एक अलग रीजन में है, आपने दो टेबल बनाई। ये रूट है जो कि आपका जो एडमिन टेबल आप कह लें, एडमिन रीजन कह लें। तो ये मैम स्टोर डिफरेंट कॉलम फैमिलीज के लिए, जो डिफरेंट कॉलम फैमिलीज हैं वो आपकी मैम स्टोर में स्टोर होती हैं, और उसके बाद फिर डेटा एच फाइल्स के अंदर चला जाता है। एच लॉग जो है ना वो लॉगिंग मैकेनिज्म होगा, जाहिर सी बात है, जो भी डेटा उसमें आया है HDFS में वो एच लॉग के अंदर उसका लॉग आ जाता होगा, या यहाँ पर एच लॉग का मतलब एच फाइल भी हो सकता है। बस आप बेसिक मैकेनिज्म याद रखें उसको, कि हर कॉलम फैमिली को बेसिकली कैश किया जा रहा है बिफोर स्टोरिंग दैट इनटू एच फाइल, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कि इन एसेंस एवरी कॉलम फैमिली इज मेम कैश्ड, नहीं मेम स्टोर्ड कह लें इसको, बिफोर इट इज स्टोर्ड ऑन HDFS। ये बेसिकली ये है, कॉलम फैमिली के हिसाब से चल रहा होता है। जाहिर सी बात है, अगर कॉलम फैमिली है तो इसका मतलब ये है कि रो आईडी का भी हिसाब किताब रखा होगा उसने। ज़ूकीपर ओपन सोर्स है, सर्विसेज लाइक मेंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन के जो रीजन सर्वर्स हैं, हर रीजन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एच मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो एच बेस की जो डॉकर सर्विस चल रही है उसमें एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स वगैरह क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, सिंक्रोनाइजेशन रखना आपस में, उनके क्लस्टर्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ज़ूकीपर हैज एफीमीरल नोड्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रीजन सर्वर्स, मास्टर सर्वर्स यूज दीज नोड्स टू डिस्कवर अवेलेबल सर्वर्स। तो बेसिकली जो ज़ूकीपर सर्विस है ना, एक मिनट ठहरे मैं आपको इसका थोड़ा सा देखें। यहाँ पे आप देखेंगे सारे बच्चे जो बैठे हैं या सुन रहे हैं, उन के ज़ूकीपर के ना मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रीजन सर्वर हैं उनके साथ ज़ूकीपर का एक डब्बा चल रहा होता है, वो हिसाब किताब रखता है, या फिर हर रीजन के साथ होता है। मुझे फ्रेंकली इसकी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट द वे ऑफ मैनेजिंग इट, कि ज़ूकीपर चूँकि कोऑर्डिनेशन होती है तो उसको हर रीजन सर्वर का हिसाब किताब होता है कि रीजन सर्वर अप है या नहीं है, हार्ट बीट आ रही है कि नहीं आ रही, अलाइव है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन की ज़ूकीपर के थ्रू हो रही होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ज़ूकीपर हैज़ एफीमीरल नोड्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रीजन सर्वर्स। तो ये जो डिफरेंट ये जो तीन ज़ूकीपर बने हैं, ये ज़ूकीपर के नोड्स कहलाते हैं, जो कि रीजन सर्वर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये चीज़ें बस आप याद रखें। मास्टर सर्वर्स जैसे एच मास्टर वगैरह जो भी है, वो यूज दीज नोड्स टू डिस्कवर अवेलेबल सर्वर। तो वो ज़ूकीपर से बातचीत करता है कि बताओ यार इस वक्त कौन से नोड्स अवेलेबल हैं, कौन सा रीजन सर्वर अवेलेबल है, ब्ला ब्ला ब्ला। इन एडिशन टू अवेलेबिलिटी द नोड्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रैक सर्वर फेलियर्स और नेटवर्क पार्टीशन। वही कैप थ्योरम में जो पी आ जाता है, डाउन हो गया, हार्ट बीट नहीं आ रही, वो भी ज़ूकीपर का काम है, वो बता देता है एच मास्टर को कि भाई नोड डाउन हो गया है, उस पर सारे रीजन सर्वर गायब हो गए, तो लिहाजा लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और जो डेटा लॉस हुआ है वो आपको रीयूज करना पड़ेगा। क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद रीजन सर्वर्स वाया ज़ूकीपर। तो आप जो कमांड देते हैं ज़ूकीपर के थ्रू आप कमांड देंगे। इन सूडो एंड स्टैंडअलोन मोड्स एचपीएस इटसेल्फ विल टेक केयर ऑफ ज़ूकीपर। डिस्ट्रीब्यूटेड मोड के अंदर ज़ूकीपर चलता है, सूडो मोड में स्टैंडअलोन मोड के अंदर
अभी ZooKeeper की वजाहतन सर्विस हम डायरेक्टली शायद इस्तेमाल नहीं करते, वो HBase उसी को कंट्रोल करेगा खुद। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में जाएंगे तो फिर ZooKeeper वजाहतन आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमारा HBase डिस्ट्रीब्यूटेड चल रहा था, तो सॉरी सूडो मोड पे चल रहा था, तो उसके अंदर मतलब ZooKeeper का इतना विजिबल कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा, वो HBase उसको खुद ही मैनेज कर रहा है। बेनिफिट्स ऑफ HBase अब तो आपको समझ में आ गई भाई। HBase स्केलेबल क्यों है? स्केलेबल इस वजह से है क्योंकि भाई हडूप के ऊपर चल रहा है, हडूप स्केलेबल है तो HBase भी स्केलेबल है। ऑटोमेटिक फेलियर सपोर्ट, अगेन ये हडूप वाली कहानी है इसकी। कंसिस्टेंट रीड एंड राइट्स, ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी नल वैल्यूज हों, स्पार्स डेटा हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ को फौरन निकाल के ले आना, ये इसकी खासियत है। वी कैन इंटीग्रेट इट विद हडूप बोथ एज अ सोर्स एज वेल एज द डेस्टिनेशन। HBase के टेबल से डेटा लिया भी जा सकता है और HDFS पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका डेटा HBase के टेबल में भी डाला जा सकता है। ठीक है, इट इज़ एन ईजी जावा, जावा आई डोंट नो जावा कितना इस्तेमाल हो रहा है, अब पुरानी बातें सारी, अब तो पाइथन और स्काला और जूलिया वगैरह ये लैंग्वेजेस भी आ रही हैं, और अब तो मुझे किसी ने ये भी कहा था कि अब तो बिग डेटा भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि बिग डेटा मैनेजमेंट के लिए जो क्लाउड के इंजन हैं वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ज़्यादा ज़रूरी हैं। अलबत्त ये चीज़ों का आपको इलम होना चाहिए बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ऑल दी अदर थिंग्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, HBase also offers data replication across clusters. ये तो वही बात है, Hadoop वाली बात है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में, और फिर इंशाल्लाह तरह मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। ठीक है, सो जो जनरल जो कमांड्स हैं वो ये वाली कमांड्स हैं इसकी ना, जो आम तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह में, लैब बनाने में, जो भी है। क्रिएट, क्रिएट से टेबल लिस्ट, सारे टेबल्स को लिस्ट कर दें। डिसेबल, मतलब इसके अंदर टेबल्स को आप डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल करेंगे तो वो क्वेरी नहीं होंगे। अगर आपने टेबल को ड्रॉप करना है, पहले आप उसको डिसेबल करेंगे फिर आप उसको ड्रॉप करेंगे। इस डिसेबल बुलियन है, इनेबल और डिसेबल आपको पता चल ही गया होगा। इज इनेबल्ड अगेन बुलियन है। डिस्क्राइब, उसका पूरा स्कीमा जो आपने बनाया था वो डिस्क्राइब कर देता है। ऑल्टर, आपको पता ही है टेबल ऑल्टर हो जाता है। एग्जिस्ट, टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ड्रॉप, ड्रॉप ऑल, ये बेसिकली रेजेक्ट्स आप देते हैं, कि मेरा ख्याल में ये उसका है जो कमांड्स होती है ना, जो टेबल नेम, टेबल नेम की जो मैचिंग होगी उसके हिसाब से वो ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ड्रॉप ऑल। पोर्ट और गेट जो है ना, वो वही HDFS की तरह है। जैसे HDFS में तो खैर दो भी होते हैं, फेच फ्रॉम लोकल और फेच टू लोकल, इस तरह कुछ दो कमांड्स होते हैं ना, फ्रॉम लोकल और टू लोकल। तो पुट्स अ सेल वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड कॉलम इन अ स्पेसिफाइड रो इन अ पर्टिकुलर टेबल। ये वो है ब्लूम फिल्टर वाली कहानी है, कहाँ पे पुट करनी एक वैल्यू वो ब्लूम फिल्टर बताएगा आपको। और गेट जो है ना, वो फेच करने के लिए होता है, स्कैन भी होता है, स्कैन पूरे टेबल का डेटा रिटर्न कर रहा होता है। गेट जो है ना, वो कॉन्टेंट्स ऑफ रो और सेल कर रहा होता है। डिलीट से आप एक सेल वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल, पूरी रो का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। स्कैन एंड रिटर्न्स द टेबल डेटा, काउंट्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, ट्रंकेट, डिसेबल्स ड्रॉप्स एंड रिक्रिएट्स अ स्पेसिफाइड टेबल। ये खैर मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, इसको हमें करके जो देखना पड़ेगा। तो ये यही सारी कहानी, ये मैंने गिट क्लोन तो कर लिया हुआ है, आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरा डॉकर HBase यहाँ पे किया हुआ है, इस बीइंग क्लोन। तो आप लोग इसको गिट क्लोन कर लें, अभी साथ साथ चला लें काम को। गिट क्लोन, गिटहब, बिग डेटा यूरोप, डॉकर HBase। सर ये फाइल आपने अपडेट की हुई है? ये आप देख लेना, हाइव की फाइल है, तो आपने सिर्फ डॉकर हाइव को डॉकर HBase करना है बस, बाकी तो URL वही है पूरा। बिग डेटा यूरोप को इस्तेमाल करें ना, BDE वाला जो फॉर्मेट है। वही चीज है बस, आपने हाइव को HBase से रिप्लेस करना है, उसमें क्या है। तो अब तो बच्चों वाला काम होना चाहिए यार, तो अब इतना ज्यादा हो। सो बहरहाल ये इसको अब, सॉरी फॉर दैट, मैं जरा कहाँ गया यार, हाँ टर्मिनल ही गायब हो गया, सॉरी यार देर हो रही है थोड़ी।
हाँ ये तो लेट मी जस्ट हाँ ये है। अच्छा इसके अंदर ना एक ये टी डिटेल डॉट सी एस पी भी है, ये इसमें मैं फंसा हूँ अभी, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बहरहाल ये डॉकर कंपोज माइनस एफ, डॉकर कंपोज स्टैंड अलोन यमल अप माइनस डी, तो ये यमल पहले देख लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट। तो यमल तो मैं ऐसा लगता है यमन कह रहा हूँ। स्टैंड अलोन का मतलब सिंगल नोट के ऊपर। हाँ तो अब आप ये देखें, ये पूरा वर्जन 3 चल रहा है, सर्विसेज में नेम नोड है, नेम नोड तो वो हडूप के ऊपर ही है, हडूप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको पता ही है, और क्लस्टर नेम इक्वल्स टू टेस्ट ये किसी वजह से ने रखा हुआ है, कंटेनर नेम बारह नेम नोड है, आप नेम नोड से भी कर सकते हैं। ये हडूप का नेम नोड है, ये हडूप का डेटा नोड है जो कि 5.0.7.0 पे चल रहा है। नेम नोड करने यूआरएल यहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। खैर 5.0.7.0 ही है, सॉरी ये इस पे चल रहा है। प्री कंडीशन डेटा नोड की नेम नोड की है, रिसोर्स मैनेजमेंट की प्री कंडीशन दोनों की है, नोड मैनेजर वन उसकी तीनों की है, हिस्ट्री सर्वर की चारों की होगी, नेम नोड डेटा नोड रिसोर्स मैनेजर तो नोड मैनेजर की नहीं है। अब एच बेस का जो है ना वो ये है, एच बेस स्टैंड अलोन वॉल्यूम्स, ये दो वॉल्यूम मैं क्रिएट करूंगा क्योंकि वॉल्यूम का आपको मकसद पता चली गया है, कंटेनर शटडाउन करके रन करेंगे तो पूरी स्टेट उसने सेव की होगी सारी, एच बेस का पूरा डेटा स्टोर होगा, ज़ूकीपर का सारा डेटा स्टोर होगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, ये हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, इसका याद रखिएगा। अच्छा ये पोर्ट्स मैंने अभी फिलहाल ट्राई नहीं किया, आई थिंक 2181 पे भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, मुझे वो देखना पड़ेगा कि यूआरएल कौन सा है। बहरहाल इसकी प्री कंडीशन नेम नोड और डेटा नोड की, जाहिर सी बात है हडूप चलेगा तो होगा। ये 5 वॉल्यूम्स ये क्रिएट करेगा हडूप नेम नोड, इसमें दो तीन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है हडूप से ही, बाकी एच बेस की ये 2 वॉल्यूम्स हैं। मैंने फिलहाल इसको जो कर इसमें से मैंने ख्याल में मैंने डिलीट की थी ताकि मैं आपको बता सकूँ, ये वॉल्यूम्स आप देख रहे होंगे। हाँ ये मैंने एच बेस की वॉल्यूम्स अभी डिलीट की, बाकी पता नहीं कौन सी वॉल्यूम्स बनी हुई हैं। अच्छा वो डिफॉल्ट बन गई होंगी, कोई हडूप वगैरह की चल रही है, निकाल सकते हैं इसको भी अगर आप शुरू से करना चाहें, लेकिन इट्स द सेम थिंग, कोई ऐसा कोई वो नहीं। अभी इमेज वगैरह जो है ना वो इमेज एच बेस का इमेज है डाउनलोड कर लिया हुआ है पहले से ही, वो आप लोग फिर अभी कर लीजिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। बहरहाल ये स्टैंड अलोन में इस तरह चला रहे हैं। ये आपका सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चलाएगा, ओके जल्दी कर देगा वो क्योंकि मैं तो ऑलरेडी चला चुका हूँ इनको। ठीक है तो अगर आप अब देखेंगे डॉकर पीएस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, ये आपका डेटा नोड है, ये वो नेम नोड है, सब चीजें हैं। अच्छा एच बेस स्टैंड अलोन जो है ना वो ये इसके अंदर जो 2888 2881 ये मैं जरा थोड़ा सा भी रिकॉर्डिंग पास करके कर देता हूँ। अच्छा इसमें मैंने ये बात की है कि जो हमारी सर्विस जो फाइल है यमल फाइल जो है अभी इसलिए आउटलुक वेब पेज ही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसकी जो इसके अंदर हमने जो है ना वो यहाँ पे पोर्ट मैपिंग हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई की है, एज अ सर्विस प्री कंडीशन में डाल दिया, तो वो इंटरनली किसी पोर्ट पे चल रहा है लेकिन उसको मैं लोकल होस्ट पे नहीं देख सकता, या जो मेरा जो वी हाइपर वी का जो आईपी एड्रेस है उस नेटवर्क पे मैं 5.0.7.5 या 0 पे नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैंने आई नीड टू मॉडिफाई द फाइल हेयर, फिर वो इंशाल्लाह तआला चलना शुरू हो जाएगा, ये इसका वो मामला है। तो अगर हम पी एस देखें तो अब आई कैन बैश इन टू एनी वन, तो बेसिकली अगर आपने हडूप पे काम करना है तो हडूप पे काम करने के लिए आपको नेम नोड के अंदर बैश करना पड़ेगा, तो नेम नोड के लिए नेम नोड का जो ये डेटा नोड है सॉरी नेम नोड का कंटेनर आईडी ये है, तो ये अभी हम ऑलरेडी हम बैश करके देख चुके हैं, इसको कंट्रोल सी मैंने दबाया, तो आप कह सकते हैं डॉकर एग्जेक माइनस आईटी और कंट्रोल वी और बिन बैश। तो नेम नोड का नाम भी ले सकते हैं कि मैंने उसका नाम बताया हुआ है एलएस, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक फोल्डर हडूप डेटा का है,
लेकिन ये खाली है, देयर इज नथिंग इन इन इट फॉर हस टू, ठीक है, तो इसको अगर आप ls वगैरह करें तो कुछ भी नहीं है. और अगर आप Hadoop का फोल्डर देखेंगे इसके अंदर, तो ये फाइल सिस्टम इसके अंदर ये मौजूद है, ये नेम नोड का अपना फाइल सिस्टम है, ठीक है. करंट ये नेम नोड की डायरेक्टरी के अंदर मैं आ गया हूँ. देखिए अब ये इस तरह की चीज़ें विंडोज में कहाँ नसीब होती हैं, ठीक है. ये बेसिकली मैं उसके रूट पे आ गया. तो बाकी Hadoop डेटा खाली है, ये बाकी वही लिनक्स का जो बिल्कुल बेसिक सेटअप है ये वो है, सही है. तो इससे मैं फिलहाल एग्जिट कर देता हूँ. तो अब जो है ना मुझे HBase के शेल में जाना है. ये क्या हो गया? अच्छा HBase का ये है, HBase स्टैंड अलोन ये चल रहा है. तो कंट्रोल सी मैं करता हूँ, तो डॉकर एग्जेक माइनस आई टी कंट्रोल वी बिन बैश, क्योंकि वो भी लिनक्स पे चल रहा है ना सारा. तो अगर आप यहाँ पे एल एस का अगर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं, Hadoop डेटा HBase डेटा, ठीक है. लेकिन वो दोनों खाली हैं, देयर इज नथिंग इन इट. अब ये इन्होंने बनाए हैं ताकि आप अगर डेटा वगैरह इम्पोर्ट करना चाहें तो आप डेटा इम्पोर्ट कर सकते हैं. ये दोनों फोल्डर्स आपके खाली हैं. अब बाकी जू कीपर डेटा जो है ना वो सॉरी फॉर दैट, तो जू कीपर जो है ना वो मुझे नहीं पता कि क्या यार. हाँ ये जू कीपर इसके अंदर चल रहा है, ये वर्जन 2. अब ये सारी इसकी फोल्डर आप ब्राउज कर सकते हैं किसी फ्रंट एंड के ऊपर. फिलहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है. इसको हम एलएस पे आ जाते हैं. तो जू कीपर डेटा में चीज़ें हैं, और आई थिंक जो HBase की जो मेन है ना मेन फाइल जो है ना वो मुझे तलाश करनी है. लेट मी जस्ट सर्च फॉर द बिन. नहीं नहीं ये तो लिनक्स का बिन है यार, ये तो बाइनरी फाइल्स उसकी लिनक्स की हैं सारी. लेट मी जस्ट आई थिंक वो यूजर के अंदर स्टोर होगा. यूजर अगर मैं बिन करूं, अगर आपको HBase की पूरी API देखनी है कि वो कहाँ है, ये तो HBase की API ये है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि HBase की API है ये. रियल पाथ नो नो वे, ये थोड़ा सा गड़बड़ एक जगह पे आ रही थी. तो ये आई डोंट नो डेव के अंदर है या किसके अंदर है, डॉकर जावा होम एंट्री पॉइंट. होम भी खाली होगा मेरे ख्याल में, होम तो कुछ नहीं होगा उसके अंदर. हाँ बहरहाल अभी हम इसका, अगर आपने HBase का शेल स्टार्ट करना है तो HBase बाय डिफॉल्ट इसमें कॉन्फिगर है, जस्ट राइट HBase शेल. इसमें आपको कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, कोलन्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है. सही, ये आपने कंटेनर कौन सा वाला खोला हुआ है, ये HBase स्टैंड अलोन? हाँ HBase स्टैंड अलोन. ये अब कुछ गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये एरर थ्रो कर देगा. आई थिंक देयर इज सम समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग. कीपर एक्सेप्शन, ऐसे मैंने जू कीपर को एक्सेस किया था ना वहां से, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे. अनेबल टू सेट हमारे पास अभी तक कॉल वर्क ना, हमारे पास अभी तक सर वो उसका डॉकर कंपोज फाइल का जो हमने चलाया था. हाँ. वो ये अभी तक चल रही है, तो हमारे इमेज अभी पूरी सेटअप हुई नहीं है. हाँ नहीं नहीं वो सही है, आप लोग करें. मैं जरा असल में यहाँ कुछ गड़बड़ आ रही है, लेट मी जस्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ साथ साथ. आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दिस क्योंकि आई थिंक फाइल कुछ करप्ट हो गई है. इसको मुझे स्टॉप करने दें, इसमें ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ये बड़ा औखा का. सर में ये विंडोज़ के ऊपर यही गड़बड़ चल रही होती है सर. ट्रेनिंग लेवल तक तो सही है, तो लेट मी जस्ट आई हैव टू डिलीट दिस बेसिकली, क्योंकि आपका इमेज डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, वो आप डाउनलोड करें. मुझे बेसिकली आई हैव टू डिलीट दिस, दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज इन लर्निंग फॉर अस. आई थिंक ये वॉल्यूम वगैरह करप्ट हो गई है, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. क्योंकि सिस्टम फाइल मैंने सिर्फ वहाँ पे एक्सेस करके देखी है, आई डिड नथिंग एल्स. आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट दिस अगेन, अदरवाइज ऐसा मसला होना नहीं चाहिए. मुझे नेम नोड मुझे दोबारा, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वॉल्यूम एज वेल, क्योंकि नेम नोड आई थिंक करप्ट हो गया है यहाँ पे. इसमें ये भी चीज़ होती है कि अगर आप एक ही के ऊपर काम करते रहेंगे ना बार बार, वही वॉल्यूम बार बार उसी को रगड़ते रहेंगे, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही है. मुझे नहीं पता कि इसमें हिस्ट्री सर्वर कौन सा है. आई थिंक दिस इज द वन जो कि हमने रिमूव करना है.
ये नोम नेम नोड है 4 आवर्स अगो, ये वही वाला होगा। हाय मास्टर, आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ, लेट मी जस्ट टर्मिनल। I think I should be having those पहले के माइनस एफ था ना ये? यस माइनस एफ प्रॉपर कंपोज। सारी वॉल्यूम्स ने दोबारा से क्रिएट किए, कुछ एरर आ गया यार, वॉल्यूम्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, जहां मुझे लग रहा था ना कि इसमें अगर मैं डॉकर पीएस करूं तो दिस इज द जो आपका है एचबेस का जो ना एचबेस स्टैंड अलोन एचबेस ये है, दिस इज द कंटेनर जो मुझे चाहिए। तो डॉकर एग्जैक्ट माइनस आई टी बिन बैश में जाना चाहिए कि नहीं, एच बेस शेल क्यों यार, अनेबल टू लोड नेटिव हडूप लाइब्रेरी फॉर योर प्लेटफॉर्म, क्यों? खैर उसने एरर नहीं दिया, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बहरहाल चले, अब जो दूसरे जो थोड़ा सा औखा काम है, लेकिन बहरहाल तो इसके अंदर पहली चीज तो ये कि एग्जिट कमांड है, हाइव में आपको वो लिखना पड़ता है कोलन एग्जिट, एच बेस शेल आप लिखेंगे तो वो आपका आ जाएगा, एग्जिट से एग्जिट हो जाएगा वो, ठीक है। और उसके अलावा लिस्ट आप कर लें, तो अभी तो कोई टेबल्स वगैरह हमने बनाए नहीं है, तो कोई टेबल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एवरीथिंग इज देयर। स्टेटस आप बताएंगे तो वो आपको बता रहे 1 एक्टिव मास्टर 0 बैकअप मास्टर्स 1 सर्वर 0 डेड 2000 एवरेज लोड, 2 एवरेज लोड है। तो ये फिर जो ज़्यादा इसको जानते हैं वही इसके बारे में जाने के, वर्जन करके चेक कर सकते हैं 1.2.6। और टेबल अंडरस्कोर हेल्प का उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि आपको टेबल की सारी हेल्प यानी बना के दे देता है। ये पूरा एक छोटा सा मैनुअल बनाया हुआ, यू कैन आइदर क्रिएट अ टेबल बाय क्रिएट मैनिपुलेट द टेबल बाय कमांड लाइक पुट गेट एक्सेट्रा एच बेस टी गेट टेबल आई डोंट नो टी डॉट स्कैन वगैरह, ये सारी उन्होंने बनाई हुई, ये सब चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा तो लेट्स से कि मैं ये कमांड है जो कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर चेक करते जाएगा। अब ये मैं थोड़ा सा गलत कर गया हूँ यार, ये बड़ी गड़बड़ होती है यार इसके अंदर। ये क्या है यार, ये शेयरिंग मोड पे हमेशा ये गड़बड़ कर देता है, ये क्या है? नॉर्मल पे तो नहीं होता इस तरह। अच्छा जस्ट मैं उसको, लेट मी जस्ट पुट दिस एज इट शुड बी गुड। ये बिल्कुल ही काम खराब कर देता है यार। अच्छा ये मैंने टेबल बना दिया ई ट्रांजेक्ट, और उसके अंदर अमाउंट कार्ड टाइप वेबसाइट नेम कंट्री नेम डेट टाइम ट्रांजेक्शन आईडी सिटी नेम प्रोडक्ट नेम, इस पे वो एरर दे देगा, क्योंकि वो मैंने इसको खैर चलो शुक्र। ओहो सॉरी अबाउट दैट यार, एचबेस शेल जैसे मैं वो पॉजिटिव ही यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ये यहाँ पे काफी गड़बड़ होती है। तो ये अब उसने टेबल एक बनाया ई ट्रांजेक्ट क्रिएट के बाद, जो पहला जो लेटर है वर्ड है वो टेबल का नाम होता है, बाकी उसके वो होते हैं। अब अगर आप ये करेंगे कि डिस्क्राइब ई ट्रांजेक्ट,
ये डिस्क्राइब तो इसको करना चाहिए यार, कहाँ गया ये? अच्छा वो कोलन में डालना पड़ेगा ठहरा। हाँ ये अब इसने इसको डिस्क्राइब किया है, अब ये देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे ये क्या कह रहा है। डिस्क्राइब ई ट्रांजैक्ट कॉलम फैमिलीज डिस्क्रिप्शन नेम अमाउंट, ये पहली कॉलम फैमिली है सही है, नेम कार्ड टाइप, ये हर एक मतलब हर एक को उसने अलग कॉलम फैमिली पूरा बना दिया, नेम सिटी नेम नेम दिस 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 दिस, ये कॉलम फैमिलीज की पूरी डिस्क्रिप्शन है। और हर कॉलम फैमिली के लिए ब्लूम फिल्टर रो वाइज लगा हुआ है, वर्जन उसका वन है, इन मेमरी फॉल्स है, कीप डिलीटेड सेल्स फॉल्स। अब ये उसकी कुछ मतलब ये अब उन लोगों के लिए जो कि वाकई में इस पे काम के जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो ये उसकी सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ख्याल रखनी होगी। ब्लॉक साइज देखे कितना है, बाय डिफॉल्ट एक रो का ब्लॉक साइज एक कॉलम फैमिली का ब्लॉक साइज ये इन्होंने सेट किया है। बहरहाल ये उसकी डिस्क्रिप्शन है ठीक है। अब अगर हम इसमें डेटा डालना शुरू करें तो ये इस तरह से जो है ना वो पुट ई ट्रांजैक्ट टू कार्ड टाइप मास्टर कार्ड, अब ये किस में डालेगा ये बताएंगे जरा मुझे। टू डालेगा अमाउंट के अंदर, ट्रांजैक्ट कार्ड टाइप कहाँ है, कार्ड टाइप यहाँ पे ये है, और सिटी नेम मास्टर कार्ड नहीं है। हाँ एक सेकेंड जरा। Okay, so what we have done here is that we have put this command e-transact table जो हमने ऊपर create किया था, अब उसके अंदर हमने मुख्तलिफ rows insert की हैं। उसका तरीका ये होता है कि मैं put की command डालूंगा अगर मैं data डालना है, followed by the table name, followed by the row number और row id कह लें आप उसको, उसके बाद फिर column family का नाम और उसकी value। तो column family colon column name भी हो सकता है, लेकिन चूंकि जिस तरह से हमने अभी table create किया है ये हमने जो टेबल क्रिएट किए हैं इसके अंदर उसने हर एक को अलग कॉलम फैमिली समझा, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें नज़र भी आ रहा है। जब हमने कहा ना कि डिस्क्राइब ई ट्रांजैक्ट तो वो नज़र भी आ रहा है उसके अंदर ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मुख्तलिफ रो आईडीज़ के साथ डेटा पुट किया, जिसमें रो आईडीज़ रिपीट भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि 4 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है और गालबन 2 भी रिपीट हो रहा होगा ठीक है, या 2 शायद एक ही है, मैंने उन्होंने देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ गेट ई ट्रांजैक्ट टू, रो आईडीज के टू का बता दो कि क्या हो गेट करो, तो ये आपको एक गेट करके बता देता है। अगर मैं कहता हूँ गेट ई ट्रांजैक्ट अगेन यार फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, दिस इज अनबिलीवेबल यार, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। तो मैं कहता हूँ कि गेट और क्या कमांड थी भाई, गेट ई ट्रांजैक्ट वन, तो अब ये 4 के अंदर ना ये लेट मी जस्ट चेक दिस आउट। हाँ अब 4 में मैंने क्या क्या चीजें डाली थी, नहीं नहीं ये सही नहीं आया, एक मिनट, आई डिड नॉट पास इट करेक्टली, कोमा नहीं डाला, सॉरी अबाउट दैट। तो 4 में ये चीजें आई हैं, तो कार्ड टाइप में 234.11 और वैल्यू मास्टर कार्ड 4 मैंने एक ही दफा डाला था क्या? यस नहीं, कार्ड टाइप मास्टर कार्ड और अमाउंट 234.11 ठीक है। मैंने 4 के अंदर आप देखें ना ये जो अगर आप यहाँ देखें कि किस तरीके से डाला था कि पहले मैंने 4 के कॉलम फैमिली कार्ड टाइप में मास्टर कार्ड डाला, फिर मैंने 4 ही के अमाउंट पे 234.11 डाला, कॉलम फैमिली चेंज कर दी। यहाँ पे जो वो दिखा रहा है यहाँ पे अब वो दोनों चीजों को आपको दिखा रहा है ठीक है, ये चीज है सारी। तो खैर उस हिसाब से डिस्क्राइब कर लें तो
अच्छा अगर आपने ऑल्टर करना है ये क्या होगा भाई, इस कमांड से क्या होने वाला है बताएं। शाबाश ऑल्टर करो टेबल को, नेम क्या है कार्ड टाइप वर्जन्स 5 क्या होगा इससे। ये देखें क्या लिखा रहा है, अपडेटिंग ऑल रीजन्स विद द न्यू स्कीमा। अब इसका मतलब है कि उसने ई ट्रांजैक्ट के टेबल को मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया है, एक से ज्यादा रीजन होगा, 01 एक ही रीजन है खैर वाला क्योंकि अभी आप स्टैंड अलोन पे चल रहे हैं, 3.5 सेकंड लगे। अब अगर मैं कहता हूं कि डिस्क्राइब अच्छा अब हमने चेंज क्या किया है, कार्ड टाइप हमने क्या अल्टर क्या किया था भाई, वर्जन को 5 कर। हाँ वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, और किसके लिए कार्ड टाइप का किया था ना, ये देखें आप, देखिए कार्ड टाइप का वर्जन क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है ये मैं अल्टर टेबल कर सकता हूँ, वरना सबके वर्जन 1 ही आ रहे हैं अभी। तो ये खैर एक उसका वो एक तरीका है, और आई कैन ऑल्सो यूज द डिलीट कमांड। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजैक्ट का रो फोर्ड का कार्ड टाइप जो है वो आप डिलीट कर दो। अरे यार हॉरिबल हॉरिबल हॉरिबल, द मोमेंट आई टच दिस, ये असल में इसका कोड्स जो है ना, अगर आप कॉपी करेंगे ना तो कोड्स इसके टर्मिनल के कोड्स और होते हैं, इसके कोड्स और होते हैं, तो यू नीड टू हैव अ स्क्रिप्ट फॉर दैट। ये तो मैं वैसे ऐसे ही टाइम जाया कर रहा हूँ आपको, आप लोगों का यहाँ पे बैठ के। एंड ऑफ फाइल अब क्या आ गया, आई डोंट नो वेदर यू गाइस आर फेसिंग, मेरे ख्याल में शेयरिंग की वजह से कुछ गड़बड़ आ रही है यार इसकी, पता नहीं यार। बहर लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन लाइक दिस। I think there is some issue here. Sorry about that. This is not working as I wanted to work. Just wait. तो यहाँ पे हमने डिलीट किया तो वो पहले टेबल का नाम है, फिर रो का आईडी है, उसके बाद फिर जो कॉलम फैमिली डिलीट करना चाहते हैं कॉलम फैमिली डिलीट कर देगा, डिलीट ऑल करेंगे तो पूरी रो डिलीट कर देगा, यानी सारी कॉलम फैमिलीज जो उस रो के साथ एसोसिएटेड हैं वो सब डिलीट कर देगा अगर डिलीट ऑल करेंगे। और उसके बाद आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन जो है वो सिलेक्ट ऑल की तरह है, सिलेक्ट स्टार की तरह है सॉरी। तो ये फिर आपका वो उसने सब चीज़ आपको करके दिखा दी है। अच्छा उसके बाद आप ट्रंकेट देखिए ट्रंकेट में वो सब काम कर रहा है कि हैं अगर यार कैन एनीबॉडी फिगर आउट व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी। तो ये फिल्टर्स जो है ना ये बेसिकली आपको फैसिलिटी देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी करने के लिए। तो फिल्टर्स जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं ठीक है, डिपेंडेंट कॉलम फिल्टर। और आप जो एग्जांपल्स वगैरह देख रहे हैं तो जो की ओनली फिल्टर जो है वो आपको सिर्फ कीज दे देगा, वैल्यूज नहीं बताएगा, फिल्टर की ओनली फिल्टर। प्रीफिक्स फिल्टर क्या करेगा, फाइंड एनी पैटर्न एसोसिएट विद रोज कीज। तो रो की का पैटर्न अगर 1 हो, जिस रो की में 1 आ रहा हो तो वो सारी आपको निकाल के ला के दे देगा ठीक है। विच कॉलम फैमिलीज आर ऑन रो की 2, तो एक तो मैं की ओनली फिल्टर भी कर रहा हूँ और फिर प्रीफिक्स फिल्टर 2 कर रहा हूँ कि रो की 2 में
जितने भी कीज हैं कॉलम फैमिली के नाम है वो निकाल के ले आओ, लेकिन वैल्यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप प्रीफिक्स फिल्टर कर सकते हैं। फाइंड द कॉलम प्रीफिक्स फिल्टर, यानी कॉलम के जो सी से स्टार्ट होते हैं वो आप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ऑल मिक्स मल्टीपल कॉलम प्रीफिक्स फिल्टर में सी और पी दोनों से स्टार्ट हो रही है, वो दोनों उठा के ले आओ। अब आप इसमें आगे एस भी डाल सकते हैं, जी भी डाल सकते हैं। यूजिंग द पेज फिल्टर रीड द फर्स्ट टू रोज ऑफ द एचबेस टेबल ई ट्रांजैक्ट्स। पेज फिल्टर नहीं, पहली दो जो रोज है ना वो आप निकाल के ले आओ। जैसे हम कहते हैं काउंट वन या काउंट टू या जो भी है, पाइथन में जैसे डॉट हेड 5 कर देते हैं, हेड 10 कर देते हैं। कंबाइनिंग दिस विद अनदर फिल्टर गेट द थ्री रोज विद द कॉलम फैमिली स्टार्टिंग विद द लेटर सी, ठीक है। तो पेज फिल्टर तीन पेजेस निकाल के ले आओ उन कॉलम फैमिलीज के जो सी से शुरू हो रहे हैं, वो सब आपको निकाल के ला के दे देगा। इंक्लूसिव स्टॉप फिल्टर स्कैन फ्रॉम द स्टार्ट टिल द स्पेसिफाइड रो 4। इंक्लूसिव स्टॉप फिल्टर यानी 1 से लेके 4 तक आप वो करें। अब मुझे ये नहीं पता कि इंक्लूसिव के अंदर और पेज फिल्टर में क्या फर्क है। रीड द फर्स्ट टू रोज और बस इन, अच्छा अप टू रो 4 है ये है। नाउ यूज द वैल्यू फिल्टर टू डू सम सर्च। दिस वर्क्स लाइक कमांड ऑफ एसक्यूएल, तो लाइक है ना वो। फाइंड द कार्ड टाइप स्टार्टिंग विद एम, तो ई ट्रांजैक्ट कॉलम्स कार्ड टाइप फिल्टर वैल्यू फिल्टर और उसका क्या है इक्वल टू बाइनरी प्रीफिक्स एम। एम से जो जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं वो सब निकाल कर, इसका क्वेरी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। रिटर्न ऑल कंट्री स्टार्टिंग विद लेटर्स एल, कॉलम कंट्री नेम फिल्टर वैल्यू फिल्टर बाइनरी प्रीफिक्स एल, ठीक है। और यूजिंग द स्टार्ट रो स्कैन ओनली रोज विद द रो 3, रो की 3 ऑनवर्ड्स, तो वो ले आओ 3 या 3 ऑनवर्ड्स कर ले, ठीक है। यहाँ पे था कि 4 इंक्लूसिव 4 तक करे और यहाँ पे ये कि पहली 2 उठा के ले आए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं, और भी फिल्टर्स होंगे जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसमें वो जो डेटा इंपोर्ट करना है ना, तो डेटा इंपोर्ट करने का तरीका जो है ना वो यही है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पे चलाना चाहें, अगर आप कहते हैं हडूप, तो यहाँ पर हडूप नहीं चलेगा, ठीक है। हडूप जो चलेगा वो आपका बेसिकली डॉकर पीएस है ना, तो आपका जो नेम नोड है ना वो आपका हडूप होता है। नेम नोड ये है, ये वो मेरा वो है। तो पहले मैं नेम नोड में जाके ना मैं पहले मैं वो करता हूँ कि हडूप डेटा है ना, तो हडूप डेटा मेरा फोल्डर है, ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर सीपी और ये मेरे पास tdetail.csv जो मैंने अभी तक आप लोगों को दी नहीं है। अब मैं नेम नोड का मेरा ये वो है स्लैश हडूप डेटा, अब ये उसने कॉपी कर दिया होगा। अब मैं दोबारा उसमें बैश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए उसमें आ गया। अब मुझे इसको ना उसमें डालना है, हडूप के ऊपर डालना है। ये तो मैंने कंटेनर में डाला है ना, अब मुझे उसको HDFS में डालना है, ठीक है। तो HDFS में डालने के लिए आपको पता ही है, पहले मैं HDFS की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, hadoop fs minus makedir, और आई थिंक दिस क्रिएट्स द हायरार्की, और आई डोंट नो BDA HBase डेटा कर लें इसको, नहीं पता किस तरह। आई थिंक ये बना तो लेगा इसको, हाँ ये इसने बना दी है। अब हडूप fs minus ls slash bda, ठीक है। अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने, अब मुझे कॉपी करना पड़ेगा नेम नोड की डायरेक्टरी से, तो उसके अंदर हडूप fs ऑफ वो भी फ्रॉम लोकल, और मैं कहता हूँ कि हडूप डेटा star.csv ने जितनी भी csv के अंदर पड़ी हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि bda/hbase data, ठीक है। अब मैं दोबारा से वो चेक करूँ, तो ये tdetail.csv अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो आपके पर आ गई है, ठीक है।
हाँ अब जो काम करें ना वो ये है कि इसको हमने इसको सर्च करना है कि उसके अंदर आ जाए क्या कहते हैं हडूप से डेटा एक्सेस होके एचबेस के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकूँ।